अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, जी क्या पैटर्न क्या सर ज्वाइन कर चल चुके हैं, रहा तो है? प्लीज वालेकुम सलाम आप सब से रिक्वेस्ट है मैट जी। पे क्वेश्चन ऑनलाइन वाले भेजें। दोस्तों प्लीज, आपने लेट जाइए प्लीज, सीधा बिल्कुल, और अपने सांस को कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ऑनलाइन वाले दोस्त, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। 10 ब्रेथ मैंने बोले हैं प्लीज। कौन से पोस्ट? रजा भाई लेट जाएं प्लीज, रजा भाई लेट जाएं, आवाज नहीं आ सांस रही अपनी है। नजर नजर आ आ रही, रही। लेटे भी, लेट के सांस लेट लें जाएं प्लीज। प्लीज, ये कामरान सांस हम महमूद इसलिए सब लेते लेट हैं जाएं ताकि हमारी बॉडी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। जी, अमीर बाजवा साहब लेट जाएं प्लीज, अब्दुल सतार भाई आप अनम्यूटेड हैं, अनम्यूट होके बात कीजिएगा। नदीम साहब का मैट ही ठीक नहीं हो रहा है। स्टार साहब लेटे प्लीज, लेट के ब्रेथ लाएं ब्रेथ। अब्दुल स्टार ठीक हो साहब गया सर, ब्रेथ थैंक लीजिए ब्रेथ प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट ब्रेथ मुकम्मल होने के बाद आप करोड़ लेके उठेंगे। और आगे टेबल टॉप पोजीशन, टेबल टॉप पोजीशन प्लीज। और सबसे पहले जो ही टेबल टॉप का नाम आता है, इमीडिएटली अपने अपने अलाइनमेंट को जो देनी है, दोनों रिच एंड दोनों शोल्डर जॉइंट के नीचे अपनी फिंगर्स पूरी खोलिए और फिंगर टिप्स पांव से लगाइए, क्योंकि पांव घुटनों का फासला बराबर, चेक करें अपने पांव घुटने देखें उसका फासला बराबर करें, पांव पीछे लटाएंगे और अपने 3 दफा कैट काउ परफॉर्म कीजिए प्लीज। जब कैट को करते हैं तो नेल चेस्ट उठाते हैं और एक्सहेल करते हुए चिन टच करते हैं चेस्ट के साथ, बेली को पूरा टच करते हैं, स्पाइन को पूरा राउंड देते हैं। आज बहुत कम आ ब्रेथ के रही साथ है, करें, ब्रेथ के साथ। अमीर बाजवा साहब आपसे रिक्वेस्ट है आप नहीं एक्सरसाइज करें वरना रिमूव कर देंगे। जाना है। अब है 3 दो प्लीज पैटर्न कॉल कीजिएगा। ऑनलाइन वाले दोस्त 3 दफा कैटन कॉल प्लीज। जो है वो पाँव के पंजे टक कीजिए प्लीज, पाँव के पंजे टक कीजिए और निहेल करते हुए अपने घुटनों को 1 इंच लिफ्ट कीजिए। 1 इंच अपने घुटने में, सिर्फ 1 इंच लिफ्ट करने हैं प्लीज, 1 इंच। और कोर को एंगेज कर लें, कोर को एंगेज कर लें और निहेल एक्सहेल पर तवज्जो दें प्लीज। उठाने सर तो उतने कह रहे लेफ्ट करके तो इंगेज यहाँ बॉडी में फीलिंग क्या आ रही है प्लीज? एक बैग में नहीं मेरे कोते जमीन सांस से बाहर की भरा और बॉडी को ठहरिए सांस भरते हुए, बॉडी को ठहरिए सांस भरते हुए और जाए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ऑनलाइन मेरे दोस्त डाउनवर्ड फेसिंग डॉग प्लीज। आज आपने मेरी आवाज से चलना है, कॉपी नहीं मिलेगी आज आपको, बंदा देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करना है। आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में है। सबसे पहले यहाँ पे अलाइनमेंट ऑफ द पोज, अलाइनमेंट इसमें क्या है, गर्दन बिल्कुल ढीली होगी और अपने दोनों हील्स को मैट के साथ टच करना है। सांस इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते बेल्ट चेस्ट को थाइस की तरफ मूव करना, थाइस की अच्छा तरफ और आगे फीमर टिप्स ऑफ लेट हो, पूरा बैलेंस करें बॉडी को। अब खान यहाँ साहब पे आपसे ऐसे रिक्वेस्ट है खींचिए, मैट जो आपने है एक वो क्यू देना है आप कि नजर अगर नहीं आ रहे। किसी को लोअर बैक का प्रॉब्लम है तो हल्का सा घुटनों में माइक्रो बेंड दे ले। अगर हील टच नहीं कर रही, नया बंदा आया है, तब भी वो घुटनों में माइक्रो बेंड दे। तो ऐसे योगा टीचर आपने ये प्लीज डायरेक्शन देनी है, ठीक है? ऐसे योगा टीचर आप ये डायरेक्शन देंगे। अब यहाँ पे प्लीज अपना आइएगा, अपना स्ट्रेच बैक कीजिए, इनहेल करते हुए घुटने बेंड करें, अपने हिप को ले जाए हील्स के पास, हिप ले जाए हील्स के पास, घुटने बेंड करके हिप को ले जाए हील्स के पास और एक्सहेल करते हुए आइए टॉप के ऊपर। बात करते हुए ये जंप करें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जब आप टॉप पर आएंगे तो इमीडिएटली पाँव का फासला चेक करेंगे, पाँव का फासला हिप अपार्ट, आपके हिप से ज्यादा फासला हो
अगेन यहाँ डायरेक्शन देंगे, लोअर बैक के लोग अपने घुटनों में माइक्रो बैंड रखें, घुटने में माइक्रो बैंड, क्योंकि हाथ लगते नहीं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, सर को टाइट नहीं करना प्लीज, नो मूवमेंट बट सर, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, होल्ड होल्ड, नो मूवमेंट। अब यहाँ से प्लीज धीरे धीरे इनहेल करते हुए हाफ बेलिड, यानी फ्लैट बैक, हम इतना उठाते हैं कि हमारी कमर पीछे से फ्लैट हो जाए, और यूं ही कम आएंगे थोड़ा सा चेस्ट को फॉरवर्ड मूव करेंगे, यानी हार्ट को एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ से इनहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ बेलिड, या फ्लैट बैक, नहीं फ्लैट बैक भी है, उसको फॉरवर्ड, ये इतना रहेगा। प्रवास बहुत कम आ रही है, फॉरवर्ड फोल्ड, जब सामने सेशन स्टार्ट किया तो कम कम नॉर्मली तीन दफा जो है वो आप इसको क्या कुछ करा सकते हैं, ताकि तो आपकी जो है ना वो वार्म अप के तौर पे लोअर हिप में वार्म अप आ जाए। इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, बस ठीक है, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, अब इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, अपवर्ड सैल्यूट, दोनों जो है क्या आपने पर पीछे वाला व्यू बदलना था उससे हाथों आपका बनाए पूरा अपने गर्दन टर्न करें, क्या हाथ है, अगर आपने पीछे वाला व्यू तो आप बदल सकते हैं व्यू, और यहाँ पे देखा आपका तो फिर सांस भरे और दोनों एल्बो मिलाए, पांव मिला पड़ते हैं, पादों को डाउन करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, फॉरवर्ड फोल्ड जाएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड प्लीज, फॉरवर्ड फोल्ड, मीन से टच किया और इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट और फॉरवर्ड फोल्ड, अब अपने हाथों को टच किया, जंप करके ये वॉक करके पीछे प्लेन ब्लैंक फोल्ड, प्लेन ब्लैंक, प्लेन ब्लैंक का नाम आएगा, इमीडिएटली अपनी अलाइनमेंट करेंगे प्लीज, दोनों रिच एंड दोनों शॉल्डर के नीचे, और यहाँ पे कोर को करना है एंगेज और फिंगर टिप्स पर लाना है बदन। देखिए आप भूल जाते हो, जब भी आप इसको हाथ जब भी जमीन पर टच होना है तो रिस्ट जॉइंट को बचाने के लिए आपने फिंगर टिप्स को प्रेस करना है प्लीज, अब यहां से प्लीज अपना ये आपने अब सांस भरा यहाँ पे आपने, अब आपने स्लो फील करते हुए चतुरंगा दंडासन, सिर्फ एल्बो बैंड होंगे, सिर्फ एल्बो और एल्बो बॉडी के साथ लग जाएंगे और पूरी बॉडी नीचे जाएगी और फिर बेली टच, यस। अब ये देखिए दोनों हाथ रिप्स के पास, ऑनलाइन वाले दोस्तों प्लीज देख, ये कौन बैठा देख रहा है यार, टोपी वाला बंदा अहमद यार, मैं आपको आउट कर दूंगा, आप सब देख रहे हो बैठ गया, मैं प्लीज आपने परफॉर्म करना है, देखना नहीं है, परफॉर्म करना है, ये कोई खाने की चीज फिल्म मूवी नहीं देख रहे हो बैठ के, परफॉर्म करो प्लीज। अब यहाँ पे हेल्प करते हुए प्लीज आपने दो ऑप्शन यहाँ पर, एज ए योगा टीचर बीपी कोबरा जब कहेंगे तो फिर आपका स्ट्रेच अपर पोर्शन में आएगा और बीपी कोबरा में आपकी बेली पूरी रिप्स तक लगी रहेगी नीचे, सिर्फ हल्की सी चेस्ट उठेगी और आपका स्ट्रेच यहाँ पर आएगा सर्वाइकल पार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर कोबरा पोज देंगे तो बेली बटन तक बॉडी उठेगी, बेली बटन तक, बेली बटन कहते हैं, और फिर आपका स्ट्रेच लोअर बैक में आएगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस ऐसे योगा टीचर आपने अंडरस्टैंड करने हैं प्लीज, ठीक है। अब फॉरवर्ड फोर ठीक ठाक कर रही है, एल्बो बंद क्यों नहीं था, क्यों बोल रहा, अब आपको बताओ क्या बोल रहा, सर ने कहा मैं, सर ने बोला कि तो जस्ट फॉर बट अब दोनों यहां पे क्या फिर सर को आगे जब कर टच करें, पर इनहेल अप, इनहेल अप और एक्सहेल फॉरवर्ड, तीन दफा यहां करना है, और एक्सहेल करते हुए प्लीज अपनी बॉडी वापस आए और इनहेल करते हुए उठाएं बॉडी ऊपर और जाए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और अब यहाँ पे सांस भरा और एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट को ले थाई की तरफ और आपने फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में बदल किया हमने, अब अपने स्ट्रेच बैक कीजिए, घुटने बैंड करके स्ट्रेच बैक कीजिए प्लीज, और वॉक करते हुए ये जंप करके आइए मैट के फ्रंट के ऊपर, यूं ही मैट के फ्रंट में इमीडिएटली अपने पांव का पास्कल सेट करना है, ढीला पार्ट अपने हिप उठाए के बराबर पांव खुले, इससे ज्यादा ना खुले हो, और इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट और माइक्रो बैंड, जो लोगों को लोअर बैक का प्रॉब्लम है माइक्रो बैंड प्लीज, सर माइक्रो बैंड आपको प्लीज आपके लिए बड़ा जरूरी है, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, देखिए मैंने आपको पहले दो तीन दफा ये सेकंड रन हो रहा है जा सम सैल्यूटेशन का, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड ब्रेन, फिर इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, फ्लैट बैक, अपनी बैक को फ्लैट करना आपने, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहां पे प्लीज आए स्टेप बैक करके जाएं प्लीज प्लैंक पोज के ऊपर,
और बॉडी को भी यदि अपने दोनों रिंग चैन को लाइन करेंगे शोल्डर चैन के साथ, फिंगर्स पूरी खोलेंगे, फिंगर्स पर ग्रेड होगा, फिंगर प्रिंट्स पर ग्रेड देंगे प्लीज, और अपने कोर को गेल करें। अब दोनों एल्बो बेंड करेंगे, दोनों एल्बो आएंगे बॉडी के साथ, चतुरंगा दंड आसन। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और यहाँ पे बेली टच इनहेल करते हैं प्लीज, कोबरा पोज। देखो मैंने बीपी कोबरा का नाम लिया, कोबरा का नाम लिया प्लीज। साथ साथ क्या करते हो, शोल्डर रिलैक्स करो शोल्डर प्लीज, और एक्सहेल करते हुए वापस जाएं प्लीज, फॉरवर्ड जाएं, और फिर उठे अपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग मूव कीजिए। वो क्या हो अब यहाँ से प्लीज, अपने दोबारा से यहाँ पे अपने आप को फिर अपने स्ट्रेच बैक की थर्ड टाइम कम से कम याद रखें, जब भी अपने वार्म अप सीरीज लेनी है तो 3 से 5 दफा ये पोज करना है 24 प्रोग्राम का चंद्र जी का, और स्टेप करके या वॉक करके आइए फ्रंट पर इमीडिएटली पांव की पोजीशन चेक करेंगे, पांव सीधे करेंगे, और दूरी में हाथ टच करना, फिंगर टिप्स टच कर सकते हैं, इन्हेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट फ्लैट बैक, और चेस्ट को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है प्लीज, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इन्हेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट। और यहाँ पे देखिए प्लीज अपना, और एक्सहेल करते हुए प्रे पोज, प्रे पोज, दोनों हाथ अपने चेस्ट के साथ, आंखें बंद, शोल्डर ढीले, हाथ ग्रीन शर्ट, हाथ चेस्ट के साथ, चेस्ट के साथ आठ बोला चेस्ट का जी, क्या कर दो जाना ना शेर सब ठीक है, कुछ का का शेर हां कवर कर लीजिए कुछ। तो यहां पे ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी, शोल्डर एल्बो ढीले छोड़ने है, एल्बो ढीले छोड़ने है, शोल्डर ढीले छोड़ने है प्लीज, बिल्कुल रिलैक्स करना है। यहां पर जब प्रे पोज आता है, आंख बंद होती है, तो आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, ये चीजें याद रखनी है प्लीज, एज ए योगा टीचर आपने ये क्यूज देने हैं। इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, फिर दोनों बाजू साइड में उठाते हुए प्लीज, अपनी पाम्स को मिलाया आपस में प्लीज, अपने देखे स्काई की तरफ, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, आइए स्टेप बैक कर दीजिए प्लीज, प्लेन प्लैंक पोज पे, ये 3 सेट हमारे पूरे हुए, चतुरंगा दंडासन में जाइए प्लीज, चतुरंगा दंडासन, चतुरंगा दंडासन, और बेली टच यहाँ से अपवर्ड फेसिंग डॉग, देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, अपवर्ड फेसिंग डॉग बोला मैंने, अपवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग बोला, अपवर्ड फेसिंग डॉग, पांव मुझे हमेशा अपवर्ड फेसिंग डॉग, आज योगा टीचर आपने क्यों देना है कि अगर जो लोअर बैक के प्रॉब्लम है तो घुटना टच कर लें, घुटने मत उठाएं, घुटने जमीन से टच कर लें, अदरवाइज घुटने आप खा सकते हैं, या आप जब पांव पीछे से अंदर की आंख इस्तेमाल करनी है, पांव पीछे बिल्कुल सीधे हो, और आपने सिंक नहीं करना, आप सिंक कैसे करते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने किया हुआ सिंक, ये देखिए मेंटल सिंक हम ऐसे करते हैं, ये सिंक हुआ भाई, ये अब प्लीज बाहर निकालना इसको, ये सिंक नहीं करना प्लीज, यहाँ मोस्टली स्टूडेंट सिंक करते हैं, आपने स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट नहीं करना, लेकिन ये उनको करके बताना है कि आपने सिंक नहीं करना। अब यहाँ पे अब देखिए अपने हाथों का फासला शोल्डर के बराबर होता है, बाद हाथों का फासला कम कर सकते हैं, यूट्यूब साहब ने किया हुआ है, ठीक है, तो आपने हाथ थोड़े खोलने हैं आपने, ताकि आपका बेहतरीन, और अपर डॉग में देखिए पांव पीछे तिरछा ना हो, हाँ पांव, तो ये अंदर की आंख इस्तेमाल करनी है प्लीज आपने। अब यहाँ पे पांव का गैप हमेशा, पांव का गैप व्हाट्सएप, शोल्डर डाउन करो, शोल्डर डाउन करो, चेस्ट हॉप करो, ये बेसिकली चेस्ट को ब्रॉड करने का पोज है, यहाँ पे सांस को मैनेज करते हैं, और एक्सहेल करते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सांस भरा बेली में और मुंह खोल के अब यहाँ पे आपने हम थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं, हमने पहला चरण में उत्तर प्रसारण लगाया, इसे मीडियम स्पीड में कहते हैं, रेज योर राइट लेग, यहाँ पे जब जब भी राइट लेग रेज करनी है, सांस को इनहेल करना है, और इमीडिएटली दोनों हिप्स को बैलेंस करना है, हिप्स को बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया है, ताकि और बाद लोग इसमें पांव और हाथों का फासला बहुत ज्यादा कर रख लेते हैं, इस वजह से उनका ये पोज ठीक है, जैसे डॉक्टर ने किया हुआ है, तो ये अब सांस और एक्सहेल करते हुए राइट घुटना राइट बाइसेप को टच कीजिए प्लीज, इनहेल पुश बैक,
एक्सेल राइट घुटना राइट बाइसेप, तीन दफा मैं इसको करा रहा हूं यहां पर, आपके पास ऑप्शन, आप एक दफा करा सकते हैं। इनहेल पुश बैक, डॉक्टर साहब का पोज नहीं दिख रहा शेर साहब में, और एक्सेल करते प्लीज टच करें प्लीज राइट घुटना राइट बाइसेप को। अब ये यहीं से प्लीज अपना दोबारा से ये पुश बैक कीजिए वापस इनहेल करते हुए, और राइट पॉम दोनों हाथों के दरमियान। अब यहाँ पे आते सबसे पहले काम आप क्या करना है, आपने आपने अपनी अलाइनमेंट देखने, अपना बैलेंस देखना, बॉडी क्या कह रही है, बॉडी में शिफ्टिंग तो नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, अगर बैलेंस खराब लग रहा है तो पाँव का फासला जो राइट पाँव राइट कार्नर पे लेंगे मैट के, ठीक है, या अगर लेफ्ट पाँव लेफ्ट कार्नर पे ले लेंगे मैट के। जो जो आप पाँव में फासला ज्यादा करोगे आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा। अब धीरे धीरे इनहेल करते प्लीज क्रीज एंड पोज, दोनों बाजू प्लीज ऊपर उठाएंगे, पाम फेसिंग नीचे तक, शोल्डर ढीले छोड़ने हैं और शोल्डर को ऊपर नहीं खाना। अगला घुटना 90 डिग्री पे, हिप आपकी स्क्वेयर होगी, हिप आपकी स्क्वेयर होगी, शोल्डर प्लीज ढीले करेंगे और कोर को करेंगे एंगेज, दिस इज द क्रीज एंड पोज। अब यहाँ पे अपना इनहेल करते हुए अपने लेग को स्ट्रेच कीजिए, दोनों लेग स्ट्रेच हो जाएगी, यस, और ये पाम फेसिंग नीचे तक, ये पाम उधर की आंख संभाल कर दिया, अगले साल यहाँ पे रिलैक्स कर देंगे, और एक्सहेल करते हुए बैठ कीजिए प्लीज। इनहेल आ, दोनों लेग स्ट्रेच हो जाएंगे, पीछा पांव पंजे के ऊपर है, एक्सहेल प्लीज डाउन, अगला घुटना 90 डिग्री पर लाना प्लीज आपने, इनहेल आ, एक्सहेल डाउन, और हमेशा याद रखते हैं दोनों शोल्डर हिप से अलाइन करेंगे भी, फिर और बढ़िया ये आप देखो आप ये हुए लाइन, तो यहाँ पे राइट शोल्डर राइट हिप के साथ, लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट हिप के साथ, सांस भरा और एक्सहेल दोनों हार्ट टच करें मैट के साथ, यहाँ पे जाएंगे विन्यासा और लेफ्ट थ्री लेग रेज पे डाल के जाएंगे सब पहले, और पाँव का फासला हाथों का फासला कम कर देंगे लेग से, और पीछे पाँव पॉइंट करना है इस, जब आपने विन्यासा में जाना है तो पाँव को पीछे पॉइंट करना है प्लीज, और ये लेग ऊपर खामना है लेग में, अक्सर घुटना बेंड करते हो प्लीज, और जाएं विन्यासा पे प्लीज, नसे मुंडो दोनों एल्बो बॉडी के साथ आएंगे, एल्बो अंदर की तरफ बॉडी के साथ, ये इस तरफ, और अपना अपवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग अगेन, जब आप फिर आपने सिंक नहीं करना, आप फिंगर टिप्स को हाथ की उंगलियां पूरी खोलनी है और फिंगर टिप्स को प्रेस करना है, लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं किया, डॉक्टर साहब प्लीज अपना हाथ खोले पूरा और फिंगर टिप्स को प्रेस, यहाँ आपने खाया हुआ ये यहाँ गर्म ही आएगी, और दोबारा से प्लीज अपना सांस भरा और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाइए प्लीज, और चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ। अब यहाँ पे आप लेफ्ट लेग रेज करेंगे, सेम चीज आप आपने दूसरी तरफ करनी है प्लीज, लेफ्ट लेग रेज करेंगे अपने इसको बैलेंस ये करेंगे, और देखिए ये अब आपका पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ होगी, जब आपने इस मूवमेंट में यहाँ उठाना है, जब आपने विन्यासा में डाइव करना है तो आपका पाँव की तरफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो पाँव मैट की तरफ, आप यहाँ से प्लीज अपने अपने लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप को टच कीजिए प्लीज, लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप को टच कीजिए, इनहेल पुश बैक तीन दफा करना आपने इस पोज को, और एक्सहेल टच कीजिए प्लीज, सर उठाना ऊपर यहाँ पर आपने, इनहेल पुश बैक और एक्सहेल टच कीजिए प्लीज, तीन दफा पूरा होगा, इनहेल पुश बैक और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, आते ही आपने इमीडिएटली अपने बैलेंस को देखना है और पाँव का फासला में जो है वो टेस्ट करना है, हाथ फिंगर टिप्स पे ले आए इमीडिएटली अपने बैलेंस को देखे प्लीज, और यहाँ पे प्लीज फिर क्रीज स्लू खाना अपने सांस बढ़ते हुए अपवर्ड स्लू के अंदर क्रीज एंड पोज, और राइट आपका घुटना आएगा 90 डिग्री पे, और पिछले लेग को खाना है आपने हिप को, हाँ ये आप देखिए ये यहाँ पे दोनों शोल्डर जॉइंट दोनों हिप जॉइंट साथ अलाइन करने हैं, और शोल्डर को ढीला रखना है, शोल्डर नहीं लिफ्ट करना है, बाजू सीधे करना है, कुछ लोगों के बाजू में एल्बो में खम आता है तो अंदर की आंख इस्तेमाल करेंगे और इस खम को दूर करेंगे। अब ये सांस आपने भरा और यहाँ पे एक्सहेल करते हुए प्लीज अपने सॉरी इनहेल करते हुए दोनों लेग को स्ट्रेच कीजिए, यस सांस भर गया, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप और एक्सहेल डाउन, थ्री सेट फोर, वो
अब यहाँ पे सांस भरा और एक्सहेल करते टच करें दोनों हाथ अपने मैट के साथ, जाइए प्लीज वन्यासा पे वापस थ्री लेफ्ट डाग में जाएंगे। यहाँ पाओ प्लीज आपने पॉइंट करना है पीछे, आप अपने पाओ के डायरेक्शन मैट तक नहीं करनी यहाँ पर, और दोनों एल्बो बॉडी के साथ रखते हुए और यहाँ पे डाइव करें, डाइव करें प्लीज, आपकी चेस्ट डाउन होगी, एक लेग आपको होगी पूरी तरह से, और यहाँ पे प्लीज अपना वापस आ जाइए, प्लीज रिलैक्स करके दोनों आ जाइए बॉडी, पहले टच करें बैठ साथ, दोनों हाथ बल बल पिछानी के नीचे और बॉडी से रिलैक्स कीजिए। मैं यहाँ जो आपने किया है मैं आप करके जाऊंगा ताकि आप लोग अपनी करेक्शन कर सके, समझ सके, जो मैं अकेला हर बंदे को आप दे जा सकता और उसको आप चीज सीख सके। नहीं मैंने रोक दिया ना, मेक ए स्टॉप फॉर लर्निंग, आप नहीं करोगे, आप भी क्लास में स्टॉप नहीं दोगे प्लीज, लेट गो करें, शोल्डर डिले छोड़े बॉडी को, देखे सांस बेली से ऑपरेट होगा, ऑनलाइन वाले दोस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो देश देखेगा मैं उसको आउट, आमिर आमिर जो दोस्त नहीं कर रहा उसको प्लीज आउट कर दो, हमें नहीं चाहिए बंदा वो जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ठीक है सर, 100% कर रहे हैं। ये कौन है मोहम्मद नदीम शाह, योग दारा साहब जो बंदा प्रैक्टिस ना करे उसको आउट करना प्लीज। अब आप उठ के बैठे और ये फ्लो मैंने जो करके दिखाया मैं आपको करने लगा हूँ ताकि आप लोग तो समझ सकें और अपने अपने करेक्शन कर सकें, ठीक है, या फिर मेरे इस डेमो के बाद कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकें, ठीक है। आज मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्मली मैं ब्रेक नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। अब ये सबसे पहले आप ध्यान से स्टार्ट किया था आपने लेट के, पूरा सीक्वेंस मैं रिपीट करूंगा, जब लेट में है तो प्लीज यहाँ पे ऐसे देखे पॉम्पी जेली पॉम्प साइड ऊपर करा देने हैं, राइट हाथ बेली पे लेफ्ट हाथ चेस्ट ऊपर, कुछ लोगों ने हाथ यहाँ रखा हुआ था, कुछ लोगों ने हाथ यहाँ रखा हुआ था, अब हार्ट को ढूंढना मुश्किल काम, देखे ये हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है, जब यहाँ पे रखा चेस्ट तरफ सांस ले लिया, अब देखिये मेरी बेली कैसे उठेगी, सबको yes. और एक देर इस तरह आपका एक व्रत पूरा होगा, ये 10 से 12 सेकंड लगेंगे, उसके बाद इमीडिएटली मैंने आप लोगों को उठाया और कैटन टॉप में लेगा, क्योंकि कैटन टॉप में जाना है इमीडिएटली, हाथ की फिंगर्स पूरी खुलेंगे, प्लीज ये रिमेंबर कर लें, ये अपने स्थिति का और अपने ताकि जिस चरण में वजन काम है दोनों घुटने दोनों अंदर की आंख मैंने इस्तेमाल की, देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मैंने पाँव पीछे लटाए और घुटने लाइन के लिए करते चेस्ट, आप कुछ यहाँ पे गर्दन आप उठा सकते, लेकिन जब गर्दन उठानी है तो फिर आई बोज नहीं उठाने, मैं ये गर्दन हमेशा आपसे कभी नहीं उठाता, और एक्सेल करते चेस्ट का बैलेंस सर किया, देखिए स्पाइन का पूरी रोल कर शोल्डर में कैसे उठाए, पाँव के बच्चे टक किए थे और 1 इंच उठाने घुटने ऐसे 1 इंच, और जब उठाने देखिए मैं शोल्डर को कैसे मूव करूंगा, ये थोड़े स्वाइस शोल्डर लिफ्ट करेंगे और फिर डाउनवर्ड फेसिंग डाग, यहाँ से डाउनवर्ड एडजस्ट किया अपने और फिंगर टिप्स और वेट ये भूल जाते हो, हर बंदा भूल रहा है इस चीज को, और यहाँ पे मैंने चेस्ट को देखे मैं चेस्ट को मूव कर रहा हूँ, अब जो स्पाइन पेशेंट है उसने हल्का सा घुटनों में माइक्रो बैंड देना है और ये करना है, याद देखिए जिस बंदे को स्पाइन की पेन हो रही हो डाउनवर्ड फेसिंग डाग नहीं पाते नहीं करना, तो ये चीज है यहाँ पे उसको हमेशा माइक्रो बैंड याद करना है, ऐसे टच किया और उसके बाद यहाँ से प्लीज हमने अपना स्ट्रेच बैक जब करना घुटने थोड़े खुल जाएंगे, कोई नो वरी ऐसे घुटने खुल देखे हिप का चलेगी हिप का चलेगी चलेगी, और यहाँ पे वॉक करते हुए जो रहे हैं वो वॉक करते हुए आराम से आने मैट के फ्रंट के ऊपर इमीडिएट फासला इनहेल करते हुए हाफ मिनट, जब हाफ मिनट करते देखे मैं चेस्ट कैसे एक्सटेंड करूंगा, ये हल्की सी चेस्ट को एक्सटेंड होगी ताकि वापिस पाई नहीं ला मुझे, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड इनहेल करते हुए अपवर्ड स्लूड रेखा अपवर्ड स्लूड ऐसे होगा, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इसको अगर आप साइडों में हाथ ले आते हैं कोई इशू नहीं, जरूरी आप मुझे कॉपी करें, आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आगे लेके जा रहा हूँ बॉडी को, और देखे मैंने एल्बो बैंड को एल्बो बाहर निकले एल्बो अंदर की तरफ रखने हैं, यहाँ पे चतुरंगा दंडासन देखे बॉडी लेवल पर है और बैलेंस,
अब यहाँ पे कोबरा पाँव पीछे लटाए और दोनों एल्बो बॉडी के साथ हाथ थोड़े और पीछे ले गए और कोबरा, जब कोबरा आएगा तो बेली बटन तक बॉडी उठेगी, जब मैं कहूंगा आपका बेबी कोबरा तो यही प्लीज देखे कैसे उठती है और फिर ये चल उठेगी ताकि यहाँ स्ट्रेच आए बेबी कोबरा में और कोबरा पोज में यहाँ स्ट्रेच आएगा। कोबरा पोज ये भी लोग करते हैं लेकिन जो मिस्टेक करेंगे वो क्या करेंगे देखें, ये शोल्डर डाउन हमेशा शोल्डर रिलैक्स रखना है, ये हाथ पर वजन कम होता है, हाथ को दबाना नहीं है, हाथ जैसे आप रेस्ट ले रहे हैं यहां से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पाउ को टच किया डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, चेस्ट मूव किया थाइस की तरफ, माइक्रोमैंड दे सकते हैं जिनको प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे प्लीज अपने, फिर मैंने स्टेप बैक किया, अब मैं जंप करके गया हूँ देखें, और भी अपने हाफ वे लिफ्ट और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, एक्सहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, एक्सहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए स्टेप बैक करके वापस किया प्लैंक पोज, एल्बो अंदर की तरफ रखे सांस भरा और चतुरंगा दंडासन देखिए यहाँ पर और बेली टच, एक्सहेल करते हुए प्लीज यहाँ पे कोबरा पोज, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ पे थ्री लेग डॉग पे जाऊंगा, राइट लेग को रेस्ट किया, अब देखिए मैं हिप कैसे, देखिए मेरी हिप बैलेंस नहीं है, मैं कैसे बैलेंस करूंगा, और ये हल्की सी मूवमेंट ये यहाँ ये आपकी बैलेंस हुई, बोलो ना यार। अब यहाँ पे प्लीज देखिए पॉम्प डायरेक्शन में करिए मैट की तरफ, यहाँ पे सांस निकल गया और जल्दी राइट घुटना राइट बाइस है, अगर यहाँ टच होता है नो प्रॉब वरी नहीं करना प्लीज, आपने शुरू में यहाँ पे टच हो गए शायद नो वरी, लेकिन जब टाइम आएगा यहाँ टच हो जाएगा, इन्हें करते पुश बैक, पॉम्प डायरेक्शन देखे मैट की तरफ है, एक्सेल करते पुश टच, इन्हें करते पुश बैक, अब देखिए अगर प्रॉब्लम लग रहा है कि मेरी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना है आपने, और इन्हें करते पुश बैक और साइड पॉम्प दोनों हाथों ध्यान, अब मैं फिंगर टिप पे आया हूं, मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने पॉम्प को मूवमेंट दी और यहां पे इन्हें करते फाइव लॉन्च या क्रिसेंट पोज, जब मैं यहां पे इमीडिएटली मैंने क्या करना है, मैंने अपने शोल्डर पे ध्यान देना है और इसको मैंने अलाइन करना है हिप ये राइट हिप पीछे लेफ्ट हिप आगे, और यहाँ पे सिंक नहीं करना है, कुछ लोग सिंक कर देते हैं, देखिए मेरी हिप मेरी थाई नीचे चली गई है, इसको ठाक रखना आप नहीं, यहाँ थोड़ी स्लोप रहती है थाई के अंदर, लेकिन घुटना हील के साथ मैच करता है, पॉम बिल्कुल सीधा होता है दोनों बाजू के साथ, क्रिसेंट को अपन हिल करते प्लीज आप खाया देखे, अब पीछा पॉम देखे पीछा पॉम जमीन पर नहीं लगाना, साहब नोट आप करें प्लीज, एक्सेल करते प्लीज क्रिसेंट पोज, इनहेल आप और पांव पीछे पॉइंट करना है यहाँ पर, ठीक है पांव पीछे पॉइंट किया और एक्सेल करते हुए डाइव कैसे करना है, दोनों एल्बो अंदर अंदर रखने हैं और देखे एल्बो कहाँ है पार्टी साहब कैसे डाउन हो गई और पांव लेग ऊपर कर दिया, अब सबका घुटना बैंड होता है ये नहीं करना प्लीज, डायरेक्शन नोट करें प्लीज जरा, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप, इनहेल करते हुए पुश बैक और एक्सेल करते हुए लेफ्ट घुटना दोनों हाथों के दरमियान, और यहाँ भी इमीडिएटली घुटना अलाइन करेगा हील के साथ, अगर फासले का मसला है फासले को एडजस्ट करें, और इनहेल करते हुए क्रिसेंट पोज, हाई लॉन्च से क्रिसेंट पोज, और ये दोनों प्लीज शोल्डर आपके अलाइन हो, अक्सर यहाँ बॉडी होती है तो आप कैसे करेंगे मेरे तो देखने जरा, ये उसी तरफ पर पोर्शन मूव कर रहे हैं जस्ट शोल्डर, और देखे बॉडी यहाँ पे शोल्डर उठाने नहीं है, छोटे से जब ढीले छोड़ेंगे अक्सर ये एल्बो बैंड होते हैं, शुरू में जो भी प्रैक्टिस नहीं है वो अपनी तरफ से सीधा करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर बैंड आता है, नो वरी छोड़ दो उसको भूल जाए, ठीक है तो यह सांप भरा अपन इनहेल करते हुए दोनों लेग स्ट्रेच, एक्सहेल बैंड, इनहेल करते लेग स्ट्रेच, एक्सहेल करते बैंड किया, अब सांप इनहेल करें और एक्सहेल करते प्लीज अपने हाथ टच किए और इमीडिएटली मैं हाथों का फासला एडजस्ट किया मैंने इमीडिएटली और पांव पीछे पॉइंट किया और एक्सहेल करते हुए विन्यासा यहां पर, इन्हेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग एंड रिलैक्स, एनी क्वेश्चन जी ऑनलाइन वाले दोस्तों देखा आपने सबने प्लीज, जबरदस्त सर जी, अब आपने यही मैं देखा रिपीट करना जा रहा हूं,
आपको और चेस्ट को ब्रांड करना है। एनी अदर क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि प्लैंक और ये अपवर्ड फेसिंग डॉग, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों मुस्लिम सांगों पर प्लैंक पोज में आपकी बॉडी लकड़ी का पट्टा बनाए इंक्लाइन होता है, आपके बाजू की लेंथ के मुताबिक शोल्डर और पीछे पांव जमीन के साथ होते हैं। सो बारी या ये सिंह नहीं करना, देखिए मैंने सिंह कर दिया, इसको उठाना ऊपर ये और देखें शोल्डर में कैसे ढांक रहा है। लेकिन हमें बताने वाला नहीं था, हमें टीच करने वाला था, हमको अपनी बात आपसे कर दी। दूसरा सर, ये किताब पे पोज लगा हुआ मेरा सुनना आई थी, खराब पोज लगा हुआ, उसमें सिंह किया मैंने मिलने को। सर ये जो फरमा रहे कोर को एंगेज करना, इससे का क्या मतलब? छह आपके वो आप देखते ना उसके मसल्स, सिक्स पैक्स को कहते हैं, सिक्स पैक्स को कहते हैं। यहाँ पे हमारे स्टमक के छह मसल हैं, उनको सिक्स पैक्स कहते हैं। अक्सर लोग बने हुए नजर आते हैं जो लोग फिट है, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, हाँ तो वो उसको कोर कहते हैं। ये सर जो आप हाफ हम उठाकर यहाँ रखते हैं, ये लफ्ज एग्जैक्टली क्या है? हाफ पे लिखते हैं, मैंने यहाँ मैंने हाथ लगा दिया, कमर क्या है मेरी, कमर में स्लो बैस हो करती है, मैंने यहाँ लगाई कमर से। आप लोग कदम कैसे करते हो? प्लीज कदम डीजी रखा करें यहाँ पर, अगर जो स्पाइन पर जाए घुटनों से माइक्रो बैंड नहीं दिया मैंने माइक्रो बैंड, और जब स्ट्रेच करेंगे तो ये होगा। हमें हाफ पे लिफ्ट या फ्लैट बैक दो लोग यूज होते हैं, आप बिल्कुल यहाँ हाथ रख सकते हैं, कुछ लोग हाथ यहाँ रखने से फिर स्लो होती है, देन वो यहाँ रख सकते हैं और फिर चेस्ट को ऐसे आगे स्टैंड करना है। ये कुछ लोग यहाँ सिर्फ फिंगर टिप्स करने से उनकी बैक जो फ्लैट होती है, ये हर बंदे का वेरी करता है, किसी के बाजू लंबे होते हैं, इसके उनके सिर्फ फिंगर टच करने से वो फ्लैट बैक होती है। ठीक है, मसल यह है कि स्पाइन को ई लॉन्ग करना है, स्पाइन को स्ट्रेच करना है। बॉडी वेट जो है वो पंजे पर शिफ्ट करना है, इसमें किस पोजीशन में जाते यहाँ पे करते हैं, इसमें वेट बैलेंस होता है, कुछ करें हील पर अवेयरनेस। जितने भी योगा के पोजेस हैं, स्टैंडिंग पोज, मास पर जब हम पंजों को लिफ्ट करते हैं, उसके अलावा हर पोज पे अवेयरनेस हील पर, चेयर पोज हील पर वजन ज्यादा है, नॉर्मल पंजे पे वजन ज्यादा है, लेकिन आपने इसको शिफ्ट करना है वेट को। ठीक है, आप अपना ये बैरियर वन पोज करते हो, दिस इज बैरियर वन पोज, इनको स्क्वायर किया ये, और इसके अंदर पिछले टांग पर वजन ज्यादा रखना है। उसको जब सेशन कराते हो उसका लगाया करें सामने मोबाइल करता हो रहे और वो सेम रिपीट कर लोगे, इसके वगैरह ये वाला सीक्वेंस नहीं याद रहते। मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी, मैं सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ, मेरी लर्निंग बेहतर है, मेरा प्रैक्टिस बेहतर है। आप लोगों की लर्निंग कर्व के ऊपर होगा, एज के ऊपर होगा, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और वो यूट्यूब आपको बेहतरीन सपोर्ट देगी। ठीक है, आप क्यों वही पोज हम मेरे साथ डेली कर रहे हो तो आप जो बात सुनोगे काम में तो आपको आसानी हो जाएगी, उनको बॉडी को होता है इसकी लाजिक है।
आपने आवाज सुनी, माइंड ने कैच नहीं, किसने कैच नहीं, बॉडी ने कैच नहीं की, आप बॉडी को आवाज कैच कर दिया, माइंड ने कैच नहीं, और कैच करने बाद माइंड ने बॉडी को शेप दी, बॉडी को शेप ली और रूह से कनेक्ट हुई। ये है बेसिकली इसकी जो पीछे इसकी लॉजिक है या फिलॉसफी जो है, ठीक है, जितने भी पोजेस है सबकी यही फिलॉसफी है, ठीक है। माइंड ने आवाज सुनी और माइंड ने बॉडी को मूव किया उसको शेप में जो आवाज आई थी, और फिर रूह से कनेक्ट किया। प्लीज जब करते हो Any other question? सर फाइनल आंसर या रीसेंट गोल्स है, जब हम उस पे जाते हैं इनको ऐसे लाइन किया ताकि हमारी बॉडी सीधी हो जाए। इधर आओ, इधर आओ, आप कर के पूछो सवाल, शेप बना के पूछो। ये मेरा पीछे आ गया, ठीक है, पर यहाँ पे मैं ये अलाइन कर लिया, यहाँ पे लिए मेरी बॉडी ये अलाइन कर लिया, तो चेस्ट मेरी आ गई बिल्कुल थोड़ा कुछ। यस आप इसको डाउन करते हो, और जब डाउन ये जो यूको हमेशा मिस्टेक करता है तो बॉडी सिंक हो जाती है, तो उसके उसके ख्याल की मैं इस थाई का कोई कंसेप्ट नहीं है फ्लैट का, ठीक है, हमेशा घुटने का कंसेप्ट है, घुटने का जी प्लीज। ये काम जैसे खड़ा हो गया, पर अब जैसे ये मैं बाजू उठा रहा हूँ, ये बाजू आ गए, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके नहीं है, और ना ही ये अगर शोल्डर हिप के साथ ऐसे कर ले तो ऐसे तो नहीं ना, बहुत पीछे बस नॉर्मल आगे। इसके एडवांस वेरिएशन है, जब हम थोड़ा लीन बैक करते हैं, अब लीन बैक करो, ये दिस इज लीन बैक, थोड़ा करो, तो ये थोड़ा सा इसका एडवांस वेरिएशन है। मैं अभी उन चीजों में आपको नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मैं उन चीजों में लेके तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये आप हाथ को देखते हो, लेकिन यहाँ पे ये मरी हुई फिंगर नहीं चाहिए, इनमें जान चाहिए, मरी हुई फिंगर ना हो, ये इनमें जान चाहिए, सीधी हो, स्ट्रेट हो, खुली हो, ठीक है, ये चीज है। सर ये हाई नॉट में जाते हैं आपको वो साइडों से लेके जाना है सीधे, बोथ यू कैन डू व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन असल जो चीज बाकी इसकी चीजें हैं, हाथों का कोई इशू नहीं है, असल इसका एंगल है, अलाइनमेंट अपोर की, ये ना बॉडी आपके ऐसे शिवर कर रही हो, ठीक है, उसको पॉन्ग एडजस्ट करें। एनी अदर क्वेश्चन? सर जब आप पोज करवा रहे थे, तो सेट करा रहे आपके, तो फ्लो भी आ गया, फ्लो भी क्या मतलब सर, क्या समझ रहे थे? आप ये जिसने आज दिया था, दैट इज कॉल्ड आत्मा योगा, जब हम पोज बाई पोज करते हैं, जो आप कराते हो, मतलब यहाँ पे जो आप अक्सर देखते हो चेयर पोज, ये चेयर पोज कर रहे हो, घुटने कम होते हैं, फासला पोंग ज्यादा आता है, 1 2 3 ना, सांस की डायरेक्शन दे रहे हो, सिर्फ नंबर काउंटिंग में लगे हो सारे, मैं अक्सर ग्रुप में देखता हूँ काउंटिंग में लगे हैं, तो दैट इज खाता ही होगा, वो फ्लो नहीं है, जब फ्लो में होंगे तो फिर हम वहां पे ये मैं चेयर पोज कर रहा हूँ, ये निकल दिया, और कोशिश करें जो शुरू शुरू में लोग हैं वो हाथ बाजू यहाँ पे रखें, यहाँ ये ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश करें यहाँ पे रखें, क्योंकि उनकी अभी तक बॉडी की अलाइनमेंट नहीं है। और देखिये मैं हिप को डाउन करूंगा, 1 इंच मेरी लेग में मूवमेंट आई हुई, सिर्फ हिप में मूवमेंट आई है, और मेरी हील हैवी हो गया, और ये बात यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, अक्सर जब यहाँ जाते देखें मेरी स्पाइन ये संदरा गया, एक बार नहीं गई, चेस्ट पीछे देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ ये वाला पोज अभी मत किया करें, ठीक है, ये अभी चूंकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए आप अपनी तरफ से अच्छा करते हो, लेकिन अच्छा करने से होता है आपकी बसल फुटीक में आ जाते हैं, हमेशा याद रखें जब आप चाहे 1 घंटा फ्लो करें, आपकी बॉडी में थकावट नहीं आनी चाहिए, अगर थकावट आई है इट मीन्स आपने प्रॉपरली ब्रीद नहीं किया, आपने क्यों मसल का जोर नहीं, ये मैं जब मैं ऐसे करूंगा, ये मेरा जोर लगा बॉडी का, मैंने खुद से इसको पुश किया फोर्स के अंदर, ठीक है, अब मैं ये यहाँ चेयर पोज है, मेरा नॉर्मल मेरा जोर नहीं लगा, क्योंकि तो शेप बनी बॉडी की, ठीक है, तो ये 1 बाई 1 पोज करते हैं तो हाथा योगा कहते हैं, जब आप तो फ्लो में चलते हो, एक पोज से दूसरा पोज, देन फ्लो पावर योगा या विनर्सा पोज, ठीक है, मूवमेंट विद ब्रीथ, इसका जो लफ्ज़ ही मतलब है द मूवमेंट विद ब्रेथ, या द मूवमेंट विद ब्रीथ,
हर सांस के साथ बॉडी मूवमेंट देना डिस्कार्ड होने सब लोग। सर जैसे आप करवा रहे हैं फ्लो में, पहले हम थोड़ा स्टे के साथ चलते हैं, फिर उससे फास्ट टेकिंग सेट में, फिर उससे फास्ट बढ़िए। हमारे जो प्लेयर हमारी पति आपने बात की हाथा की, हाथा योगा और विन्यासा, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस जो है ना वो कंफ्यूजिंग है। अभी हमें थोड़ा ओवर से क्लियर कर दिया हाथा में जो है और साथ में हाथा योगा में आप सिंगल पोजीशन पर काम करके आसन पर काम करके फिर आप स्टे कर लेते हैं, ठीक है, फिर दोबारा नए पोजीशन में आ जाओ। डेली करते हैं ना आप ग्रुपों में, वो आता ही होगा या बिजली करते हो या ब्रेथ करते हो, फिर ब्रेथ करना है या फिर ब्रेथ करना है। नहीं ब्रेथ तो उसमें दोनों में, दोनों में, दोनों में भी काम करते हैं। मैंने अभी पहले स्टार्ट लिया आपसे, आपको मैंने एंड कराया जो थ्री लैक जाके पोज पोज के बाद पूरे इसमें दुनान हो गया। नहीं अगर मैं एक एक पोजो में आप ही करके हारू दिन से जैसे आपने आप क्यों इनके बाजू में स्टैंड करनी है, कोई कोई हर्ज नहीं है उसको, वो ही जो इनके पैस, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब शुरू में लोग आते हैं वो इस तरह डाइव करके नहीं आ सकते, तो उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी जब बॉडी उनका सांस बाजू सांस नहीं ले रहे। आज तो दूसरा चीज ये है कि जब ये अपने इस तरह फ्लो करना है, इधर ये घूम गया पांव दे ये बांध गया, अब ये सबसे पहले एल्बो बैंड करते हैं, मैं एल्बो बैंड किए और मैंने डाउन किया, ये ऐसे लेग उठा दी और यहाँ घुटना नहीं बैंड करता ये, और फिर सांस घूम गया। तो ये सीन क्या हो गया, डोंट वरी फॉर इट, ओके। सर इसकी वैल्यूएशन एक बताई थी आपने नीचे आने की, क्या वो काइंडली बता दें, ये जो ए बी एफ के साथ आगे विन्यासा से आए हैं आप, एक दिन का ये एक दिन देखिए पर खाया, एक दिन के यहां आगे आए ये एल्बो बैंड कर लिया और फिर यहां पे आ गए, क्या उस पे आ गया डिपेंड ऑन योर बॉडी, क्योंकि उसमें एक दम आपकी हार्ट बीट शूट करती है उसी, तो इसलिए हम यहाँ पे मूविंग लाइक ए रिवर, बढ़ाना है उसको अपने लिए ब्लड चाहिए, इसलिए आपका हार्ट बीट प्रेशर चलता है। चैलेंज इसलिए होता है कि वहां सांस नहीं हिलनी करते हो, वहां हिल कर उठोगे तो आपको चैलेंज आपसे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और बता रहा हूँ आपके आपके मेरे मसल तो नहीं नजर आ रहे ना, लेकिन ये योगा करने वाले बंदे मसल अंदर से मसल बहुत स्ट्रांग होते हैं और मसल लच्छेदार होते हैं, जो फ्लेक्सीबल होते हैं, जो बंदा जिम करने वाला है उसका मसल तो नजर आ रहा है लेकिन अंदर से उसका मसल स्ट्रांग नहीं है, अंदर से मसल उसका वीक है, इसलिए वो ये वाला डाइव नहीं कर सकता। आप ले जिम में लड़के को ये वाला डाइट उसके लिए मुश्किल होगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके मसल वीक है अंदर से। मेरे पास आते हैं इधर एक दो लड़के लोग ना, नहीं कर सकते। हां नहीं कर सकते। मैंने स्क्वाट को पूछा था कि जैसे हम फ्लो को पास करते जाते हैं हर स्टेप में, हां वो उसकी वजह ये है या एज ए रूल हमेशा फर्स्ट सीक्वेंस वार्म अप सीक्वेंस होता है वो स्लो होता है, ठीक है, ये उसमें मैंने कहा ना आपने डिपेंड करता है आप क्या चीज सेलेक्ट कर रहे हो, मैं ज्यादातर आपको सन सेलिब्रेशन का जो ना वो ले रहा हूँ आपको वार्म अप के लिए, वो पहले उसके तीन सेट करते हैं या पांच करते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन होता है इसका। अगर आप इसके अलावा किसी चेयर पोज में जाते हैं या तो या सांस की बात करें या कपालभाति में चेयर पोज में आके हम कपालभाति करते हैं उससे बॉडी वार्म अप होती है, ठीक है। मैं आपकी लर्निंग मैम भी तक आप लोग मैंने कराया नहीं उसको बता रहा हूँ, ये आए यहाँ पे कपालभाति चलेगी, बेली मूव करेगी, बात करें इससे अपने बॉडी वार्म अप करता है। सर आपने कहा तो जब भी वो जब योगा कर रहे हो तो सांस ले रहे हो वहां इसको पॉइंट ऑफ नहीं करें, यस ठीक है, पॉइंट ऑफ जजमेंट नहीं करें, जजमेंट नहीं करनी का कर रहा है जैसे मन ही कर रहा है, यस सो करने दे, यस। तो फिर जब एक क्लास खत्म होती है किसी के पास टाइम नहीं होता, वो लोग अपने अपने घरों में इसको कैसे उसको उसको बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सुन लो सुन लो आप लोग, मैंने आपको ये प्रैक्टिस आपने बिल्कुल अलाउ नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल जाती है, आप अपनी तरफ करो मर्जी आपकी, एज ए टीचर मेरी तरफ से जाती है। उसकी वजह यह है जब आपकी गैदरिंग में है सारे लोग आपके लिए नए हैं,
अभी देखो आप लोग मुझे 12 साल से जानते हो, जो ठीक है मैं आपकी बात ऐसी कर लूंगा आप माइंड नहीं करोगे, लेकिन जो लोग नए आए हैं वो दे फील हर्ट। जो हमारे वैसे भी कल्चर में हम ग्रुप के सामने किसी को कुछ कहें तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, फूट करते हैं, उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, तो ये चीजें खत्म करें। तो अगर जिसको शौक है वो आपसे पूछे, जिसको नहीं है आपको क्या पूछाएंगे, आप उसके ठेकेदार होंगे या आप उसको टीचर बनाना आगे। मैं आप लोगों को जो मैंने सर किया कि भाई आपने ये बैठे हैं कि आप लोगों को सर करना है जिन लोगों ने 2 साल मिनिमम टीचर की बात की है एज ए टीचर, क्यों यही है ये आप लोगों को सिलेक्ट किया, ठीक है मेरी 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 इस बारे में किसी को सिलेक्ट किया, मैंने किसी का निकाल इन्होंने फैसला किया, मैनेजमेंट ने फैसला किया, मकसद ये था मैं तो आपके ट्रेनर्स को ट्रेन करना चाह रहा हूँ, मुझे आम लोग पब्लिक से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपसे इंटरेस्ट है। अब आप वहाँ पे टीचर हो, आप अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको सेपरेटली बिठा के वीकेंड सुटेबल दिन आप रोक जो आप क्लास खत्म हो गए कोई कुछ चीज लर्न करना चाहे पूछे, जिसको शौक है अगर पूछे कुछ दिन पूछे आपको क्या तकलीफ है, अगर मुझे भूख नहीं लगी तो मुझे आपने घर से खाना बनाना उसकी वजह क्या है, उसकी वजह एक और है, जब आप रुकोगे वहां पे आपका फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपने फ्लो में स्टे नहीं करना, फ्लो में स्टे करे एक बंदा उस मकसद नहीं है 30 सेकंड 40 सेकंड स्टे करने का, आप उसको अपने स्टे करा दी क्योंकि आपने रुक दिया। तो इस तरह की बड़ी सारी प्रैक्टिस खत्म करें, ये किसी सूरत में अलाउ नहीं है, अगर वन टू वन हो जो मर्जी करो। सर वैसे आप क्यों देते हैं, वैसे क्यों देते हैं सर, क्यों दे सकते हैं, वैसे आप होते हैं आप काफी कैश करते हो, आंखें कैश करती हूँ, आप यहाँ से कैश मत करते हैं, फ्लो पूरा करना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अपने पाम फेसिंग टीचर हाफ फिंगर खोलिए, तो मैं तो क्यों दे रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं खोले वो खोल लेंगे, कई लोग अपने फिंगर टिप से वेट दे रहे, तो कुछ लोग वेट करते हैं उस पर जा रहे भी, आप लोग भूल जाते हो फिंगर टिप नहीं दबाते हो, जब मैं आवाज आती है तो करते हैं तो बॉक्स से दिया होता है, फ्लो ऑफ कैर फ्लो डिस्टर्ब होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अभी देखो आप जिसमें रिसर्च कर रहे हो क्या पापा जी आपको क्या लग रहा है आज आपने किया, तो ये बेनिफिट है, ठीक है आप हाथा योगा कराते हो, हम पिछले 15 साल से करा रहे हैं, 15 साल से आप लोग मेरे साथ हो, आप लोगों में चेंज नहीं आई यार, अभी मैं उसने पता चला गया कि सर आपके दोस्त राणा साहब ने काम खराब किया था, वो रिजवान को लाया था, आज तक मुझे ताने मिलते हैं उसके नाम और वो कहता है मैं क्यों मारूं, जल्दी तो भी ताने दे दे इनके साथ इन्हें जानना है सारे कुछ यानी ऑनलाइन वाले दोस्त प्लीज आप लोग से क्वेश्चन कोई क्वेश्चन और पूछिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन आमिर जी क्वेश्चन सवाल अपना माइक ऑन करो सवाल पूछो, ये माइक माइक ऑन करके साधक बोल रहा हूं बात कीजिएगा, यंग साधक अपना माइक खोलो, सर अभी आप खोलो भाई, और भी माइक खोलो सर आपने अभी फिर माइक नहीं खोला, साधक माइक खोलो माइक, सर मेरी बात खुला सर माइक खुला हुआ है, सर माइक खुला हुआ मेरा, सर अभी आपने एक दोस्त को जवाब दिया कि बीइंग ए टीचर मैं ये अलाउ नहीं करता आपको ये बात करें, वो क्या था उन्होंने क्या पूछा, साधु को पिन करना जरा यार प्लीज आगे सेंटर में आ जाइए, अमर साधु को पिन करना, साधक आपका माइक फिर ओपन हुआ, आपका माइक रेड है, हाँ आप बोलो सर, माइक खुला हुआ बोलो आप बोलो सर, क्वेश्चन नहीं है अप्रिसिएशन है कि जब से हम लोगों ने ये ट्रेनिंग सेशन शुरू किया और फर्स्ट टाइम वॉइस क्वालिटी इतनी क्वालिटी थी कि एक एक वर्ड आपको समझ आया, तो अप्रिशिएट करना जरूरी था कि आज एक एक लफ्ज समझ आया और बेहतरीन क्वालिटी दी आवाज, ओके थैंक यू वेरी मच, क्वेश्चन पूछो
तारीफ नहीं चाहिए आपकी, मेहरबानी, इस वक्त तारीफ का टाइम नहीं है सर। हम चूंकि सफर कर चुके हैं, कल हमें एक लफ्ज समझ नहीं आया, तो आज इसलिए अप्रिशिएट करना सर जरूरी था, बाकी सब कुछ समझ आया, क्वेश्चन सारे शानदार समझ आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों, कोई और दोस्तों? अभी एक योगी दोस्त को जवाब दिया कि मैं बीइंग ए टीचर ये आपको अलाउ नहीं करता, वो मैं ये उनका सवाल नहीं सुन पाया कि उन्होंने क्या आपसे पूछा, जिसके जवाब में आपने कहा कि मैं बीइंग ए टीचर आपको अलाउ नहीं करता। साइलेंट साइलेंट प्लीज। सिद्धार्थ साहब उन्होंने ये कहा था कि क्या आप जिस तरह फ्लो करा रहे हैं तो वहां हम किसी बंदे को पॉइंट आउट करके अगर वो पैर गलत कर रहा है, हाथ गलत कर रहा है, तो उसको गाइड कर सकते हैं, तो मैंने कहा वो नहीं करना, उसको बाद में करें, बात करें, वन टू वन करें। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये मेरा कि अभी विन्यासा पोज आप करवा रहे हैं, हमें विन्यासा में आपसे एक हम समझ आ रही है कि आप थ्री लेग डॉग से जब मूव फॉरवर्ड करते हैं तो चिन एंड नोज जमीन पे आप लगा रहे हैं, क्या सिर्फ विन्यासा में एक ही पोज आएगा या बाकी विन्यासा में क्या पोजेस हम कर सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। देखो दोस्तों, विन्यासा एक तरीका तो यह है कि मैंने लेग उठा के मूवमेंट दी है, आप लेग के गैर भी फर्श करो, मैं यहाँ पे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हूँ, तो जब कहते विन्यासा जाना है दोबारा ये ऐसे यहाँ पे डाउन फेसिंग डॉग किया हुआ है, विन्यासा में जाना है, सांस ले लिया और ये दोनों आगे बढ़ी था और आगे बढ़ी था, तो फिर आप उसमें आपके पिछला हिस्सा ऊपर होगा। ठीक है, सही है, ठीक है सर। ऑनलाइन वाले दोस्तों से सवाल हो प्लीज, कोई पूछिए सवाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, नदीम बात कर रहा हूँ वाकंड से। सर ये आज मेरा 3 घंटे का सेशन आसना अलाइनमेंट के ऊपर है, कल मैं थ्योरी दूंगा आप लोगों को। अपवर्ड फेसिंग डॉग और कोबरा में डिफरेंस क्या है सर, ये बता दीजिए। अच्छा, और अन्य अदर क्वेश्चन हो प्लीज। इनका सवाल है जी, अपवर्ड फेसिंग डॉग और कोबरा में डिफरेंस क्या है, जमीन आसमान का फर्क है? आओ प्लीज अपवर्ड फेसिंग डॉग करके दिखाओ, लेटो लेटो, अब लेटो ना, मुझे करके दिखाओ पोज, लेटो लेटो प्लीज, क्यों आपने वो सवाल पूछा, लगता है आप हमारी क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब पेट के बाल लेट जो, पेट के बाल लेट जो। अब दोनों हाथ लाओ रिब्स के पास, दोनों हाथ के पंजा खोलो रिब्स के पास, और थोड़ा पीछे, और हाथ थोड़ा पीछे, हाथ थोड़े और पीछे, यस। अब इनहेल करते चेस्ट उठाओ, पहली बटन तक चेस्ट उठानी है, शोल्डर डाउन रहेंगे, एल्बो साथ रहेंगे, शोल्डर डाउन, शोल्डर डिले छोड़ो, शोल्डर डाउन करो, शोल्डर डाउन, यस, और उठाओ चेस्ट को, और दिस इज कोबरा पोज, ओके। सर सर को रिलैक्स करो और यहां से पूरी बॉडी उठा दो ऊपर, हाथों पर वजन डालते हुए पूरी बॉडी ऊपर लिफ्ट कर दो, हाथों पर पूरी बॉडी, पूरी घुटने भी लिफ्ट कर दो, घुटने भी, पांव के पंजों पर वजन आएगा, ये दिस इज अपवर्ड फेसिंग डॉग। देखो एग्जैक्टली आपके शोल्डर जॉइंट रिच एंड मैच कर रहे हैं, हाथ का पंजा खोलो और फिंगर टिप्स को प्रेस करो प्लीज, फिंगर टिप्स, हाथ की उंगलियां खोलो, दिस इज अपवर्ड फेसिंग डॉग। अब दोनों में क्या फर्क है, वापस आओ ना, वापस भी ऊपर हो गया, अब उठ के बैठो ना, अब तो प्रेग्नेंट और उधर चल रहे हो यार। अब इन दोनों में क्या फर्क है, एक तो बैली वाला कोबरा में आपका बैली साफ लग रहेगा, इसमें बैली अब फर्क समझ आ गया, मैं एक्सप्लेन करूं, मेरा सवाल यह है, नहीं समझ आ गया सर, समझ एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, थैंक यू वेरी मच यार। साइलेंट प्लीज, सोचो तो आपका फिर इसका नाम लेते, ये जो हम कर लिए थे अपवर्ड सल्यूट, यानी हम खुदा को सलाम कर रहे हैं, ये करो आपकी आवाज नहीं मुझे समझ आ रही, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, शहजाद साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
जी सर, सर थ्री लेग में हिप की अलाइनमेंट के लिए गाइड कीजिएगा। अब करके दो मुझे पोज, अपने पोज में आओ प्लीज। इमरान सईद को पिन करना है, अमीर इमरान सईद शहजाद को। लेग उठाएं, अब पहले हिप को बैलेंस करो, इस लेफ्ट हिप को डाउन करो, बैलेंस करो ताकि हिप को थोड़ा ट्विस्ट करके बैलेंस करो। यस वेरी गुड। अब पांव की डायरेक्शन करो मैट की तरफ, जो पीछे उठाया हुआ लेग। यस फ्लेक्स करना पांव को। अब ये है आपका थ्री लेग डाल, ठीक है। अब चेस्ट को मूव करो थाई की तरफ, चेस्ट मूव करो और मूव करो। अब देखो हैमस्ट्रिंग मसल कैसे ओपन हुआ है। फिंगर टिप्स पर वेट हो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी फिंगर टिप्स पर वेट डालना है, रिस्ट जॉइंट पर प्रेशर कम होता आगे। अब यहाँ से जाओ प्लीज अपने विन्यासा में, विन्यासा में, विन्यासा फ्लो में जाओ, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, एल्बो बॉडी के साथ, बॉडी के साथ। यस पांव पीछे पॉइंट करो, पांव को पॉइंट करो पीछे, पॉइंट पॉइंट, ये कैच चाहिए। वेरी गुड एक्सीलेंट। और यहां से अपवर्ड फेसिंग डॉग, पांव लटाओ पीछे, पांव पंजे पे नहीं रखने, पांव लटाने, लटाओ लटाओ लटाओ। यस और शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर, चेस्ट को ब्रॉड करो, चेस्ट को ब्रॉड करो प्लीज, चेस्ट को ब्रॉड करो। यस वेरी गुड, देखो एंड रिलैक्स। आगे समझ समझ आ गई है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन सर? ये विन्यासा फ्लो में हमने इनहेल और एक्सहेल का बताएं कि इसमें क्या, कहां इनहेल करना, कहां आओ आप विन्यासा फ्लो में आओ, जल्दी से आओ, क्विकली क्विकली, आपकी बैली बड़ी है, जल्दी आओ विन्यासा फ्लो में आओ प्लीज। अमर इसको पिन करना जरा, ये योग दारा वाला कौन है? पाँव फिंगर टिप्स, पाँव के हाथों में फिंगर टिप्स पर वेट दो प्लीज। यस सर। हाँ और एक्सेल के तो जाओ फ्लो, डाइव करो प्लीज, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, एल्बो बॉडी के साथ, एल्बो बैठ। यस पाँव पीछे पॉइंट करो, पाँव को पॉइंट करो पीछे पीछे। यस ये लेग उठाओ ऊपर और ये है पोज, ठीक है। वेरी गुड, यहाँ से अपवर्ड फेसिंग डॉग इनहेल करते हुए, पाँव पीछे लटाओ, अपवर्ड फेसिंग डॉग, पाँव लटाओ फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, पाँव लटाओ पीछे जमीन के साथ। यस और चेस्ट को ब्रॉड करो, चेस्ट ओपन करो, चेस्ट को। यस वेरी गुड, ये है पोज, ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन समझ आ गई है? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन ऑनलाइन बैक ताकि आगे बढ़ू क्लास को लेके प्लीज। सर इसमें इनहेल एक्सहेल कहां किया है? माइक ओपन करो, माइक योग धारा लग दर गया, पहले उसको करो पिन। अमर योग धारा को इसको पिन करो, योग धारा को प्लीज। हाँ अपना माइक खोलो। तारिक साहब सर, तारिक सईद नाम है, नाम इसे लिखा नहीं, मुझे अब क्या पता नाम, पानी कोड़े में जानता हूँ। तारिक साहब अपना माइक खोलो, माइक। यस खुला हुआ सर, हमारा क्या प्रॉब्लम है? ओपन है सर, ओपन है। अब ओपन किया ना यार, पहले कहाँ ओपन था? अब बताओ क्या प्रॉब्लम हमारा? आप प्रैक्टिस करते हो हमारे साथ? जी सर बिल्कुल रेगुलर कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता जिस तरह से आप बैठे प्रैक्टिस करते हो। आओ प्लीज मुझे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आओ, तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर आओ, क्यूज दो प्लीज। यहाँ डाउनवर्ड डॉग में किसी का ख्याल रखना चाहिए, डायरेक्शन दो क्या करना चाहिए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। सबसे पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल अपनी चेस्ट को जो है वो अपने थाइस के पास लेके जाना है। लेके जाओ ना, क्यों नहीं लेके जा रहे हो, जाओ लेके। हाँ यस, और फिंगर टिप्स पर, फिंगर टिप्स से सारा जो प्रेशर सारा फिंगर टिप्स पर आएगा हमारे। ओके और यहीं से हम विन्यासा में अगर जाना चाहते हैं तो ये हमारा ये 3 लाख डॉग है, 3 लाख डॉग, पहले 3 लाख डॉग में वापस जाओ, 3 लाख डॉग में वापस जाओ, पहले 3 लाख डॉग में जाओ प्लीज, 3 लाख डॉग में जाओ तारिक, 3 लाख डॉग के अंदर, 3 लाख डॉग से भी समझ आ रही बात। ये अब हिप को बैलेंस करो। यस पांव की डायरेक्शन पीछे मैट की तरफ, ये सर ठीक है। अब सांस भरा और पांव को पीछे पॉइंट करो, पांव को पीछे पॉइंट कर दो, लेग स्ट्रेच करो पूरी तरह और जाओ विन्यासा में। पहले सबसे पहले बॉडी एल्बो बेंड करो, एल्बो बॉडी के साथ। यस लेग उठाओ ऊपर और थोड़ी। यस ये और इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, पांव पीछे लटा दो। वेरी गुड, गर्दन ना उठाओ, शोल्डर अपने डाउन करो, शोल्डर डाउन करो। यस वेरी गुड एंड रिलैक्स, गुड तुम्हारा ठीक है। Any other question?
थैंक्स सर, तो सब आगे बढ़ते हैं प्लीज। इधर आएगा अब शायद यहाँ पे सबके समय काफी करेगा आप लोगों को और प्रभाव भी करेगा। आए प्लीज अब फ्रंट बैठ के फ्रंट पे आए। जब मैट को फ्रंट पे आना तो किस चीज का ख्याल करना बताएं राज भाई को हाथ बंद करें। दोनों शोल्डर दोनों हिप से लाइन हो, दोनों हिप दोनों घुटने से लाइन हो, दोनों घुटने दोनों हील से लाइन हो, ठीक है। अब इनहेल करते बाजू आप और यहाँ पे फिंगर फिंगर्स को इनर हाथ में हाथ डालो, फिंगर्स को लाभ लो, टर्न करो उल्टे हाथ, यस ठीक है, सामने को ले लेना। अब स्ट्रेच करो ऊपर, यस यहाँ पे कोर को एंगेज कर लेना आपने। जब आप बाजू करें सांस, अब यह सांस भरा और एक्सहेल करते अपने बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और यहाँ पे बैक बेंड, यस स्ट्रेच करना है और जमीन की तरफ देखना, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना प्लीज जमीन की तरफ। ये देखिए आपको ये स्ट्रेच कैसा रहने करते वापस आए और एक्सहेल कर दूसरी तरफ भी, यहाँ पे फिर अपना स्ट्रेच बैक करें इस अंदाज से। ये डिफरेंट स्ट्रेच मिलेगा आपको आंखें जमीन, ठीक है। इन्हेल करते वापस आए और एक्सहेल करते राइट साइड बेंड, अपर बॉडी को बेंड देना है राइट साइड पर प्लीज, इसको हिप को मूव नहीं करना, ओनली अपर बॉडी को राइट साइड को जमीन तरफ देखना प्लीज और बाजुओं को स्ट्रेच करना है और ये ऑल द वे लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच को ऑब्जर्व करना प्लीज। इन्हेल सेंटर एक्सहेल लेफ्ट और ये ऑल द वे स्ट्रेच करना प्लीज। यहाँ पे अब राइट साइड पे स्ट्रेच आ रहा है प्लीज। इनहेल सेंटर एक्सहेल करते हुए प्लीज अपने प्रे पोज, शोल्डर आपके रिलैक्स, आंखें बंद, हमेशा प्रे पोज जब आना है आंखें बंद करनी है और अपनी बॉडी में फीलिंग को ऑब्जर्व करना है। शोल्डर डीले, मेरा हफ्ता बाद का ग्रीन शर्ट वाला दोस्त, शोल्डर डीले छोड़ो, एल्बो डीले छोड़ो, यस। अब देखो फीलिंग क्या आ रही है। इनहेल करते हुए प्लीज अपवर्ड सल्यूट और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे माइक्रो बैंड देख सकते हैं प्लीज, जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम हो माइक्रो बैंड, ठीक है। इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट और अपना फ्लैट बैक या स्ट्रेच चेस्ट को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करना है। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ से इनहेल करते हुए चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए प्लीज, चेयर पोज, चेयर पोज, चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए प्लीज अपने आपको चेयर पोज। और यहाँ पे हमेशा घुटने और पांव का फासला बराबर, ठीक है ना, ऊपर ले गए मैंने पहले डायरेक्टली यहाँ रखा करो ताकि शोल्डर डाउन रहे आपके। अब मरी फिंगर रखते हैं तुम्हें प्रॉब्लम क्या यार, कोर पाउंड फेस करेगा, यस, और हिप को एक इंच हिप को डाउन करें प्लीज। और यहाँ पे सांस से नहीं लें तो यहाँ पे स्टे देना है, सिंपल अपने ब्रेथ से नाक से ब्रेथ से ऑब्जर्व करें। यहाँ पे जब आप कोर को एंगेज कर लेंगे तो योगा डीजे याद रखना उजाए ब्रेथ, जब उजाए ब्रेथ होती है तो आपकी नोज और कैसे होती है अगर खाना है तो यहाँ पे आ गया, आप इधर है पहले इधर और यहाँ से प्लीज अपने दोनों सांस भरा और एक्सहेल करते दोनों बाजू राइट साइड पर ऐसे पॉइंट करना पीछे उठाएं प्लीज, एक नहीं मूव करनी है पब्लिक का रहेगी। यस इनहेल सेंटर एक्सहेल लेफ्ट और थोड़े बाजू पूरे इनहेल सेंटर वापस फिर वो यहां आ रहा है, समझ आ रहे हैं यहां से बॉडी मूव नहीं करनी है, बाजू मूव करना है। एक्सहेल राइट राइट साइड पे प्लीज, यस ये इनहेल सेंटर एक्सहेल लेफ्ट इनहेल सेंटर एक्सहेल फॉरवर्ड वॉक में जाना, दोनों चेस्ट को ड्रॉप करना थाई के ऊपर और बाजू आएंगे पीछे, चेस्ट ड्रॉप करो थाई के ऊपर, इनहेल फ्रंट पे वापस चेयर पोज, इनहेल चेयर पोज, एक्सहेल ड्रॉप करें अपनी चेस्ट को थाई के ऊपर, इनहेल अप एक्सहेल ड्रॉप किया प्लीज, इनहेल अप और एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। अब इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड,
यहाँ पे दोनों हाथ टच करें और स्टेप करके या वॉक करके जाएं प्लैंक पोज के ऊपर, प्लेन प्लैंक, पृथ्वी प्लेन प्लैंक माने अलाइनमेंट ऑफ योर पोज, हाथों की फिंगर टिप्स पे वजन हो, बॉडी लकड़ी का फट्टा बनाओ, कोर को एंगेज करना है और यहाँ पे देखें अपने शोल्डर को ऊपर लिफ्ट करें, शोल्डर पे प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने सांस भरा और धीरे धीरे चतुर्मुखा दंडासन, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, एल्बो ये साथ ये साथ सुंदर ये यस ये। अब यहाँ से इनहेल करते हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल करते हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ पे सांस भरा और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, मुझे नहीं मिला जिसके वजन डाटा हो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, भूल जाता। अब यहाँ पे प्लीज अपने अपने आइए इनहेल करते हुए प्लैंक पोज, प्लैंक पोज, प्लैंक प्लैंक पोज, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल करते हुए प्लैंक पोज, तो भी साहब देखो डाउन करो थोड़ी, डाउन करो और यहाँ पर एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल करते हुए प्लैंक पोज, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, स्ट्रेच बैक कीजिए यानी घुटने बेंड करके हिप को लेंगे हील्स के पास, आन लाने वाले दो स्ट्रेच बैक, घुटने बेंड करके हिप को हील के पास, स्ट्रेच बैक को समझ आ गया, स्ट्रेच बैक अंदर काम रहे, एक्सहेल करते हुए जाएं फॉरवर्ड फ्रंट के ऊपर वॉक करके ये जंप करके भी, इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट और एक्सहेल करते हुए फिंगर टिप्स डालें, रिलीज करें फिंगर टिप्स को, हाथों को टर्न कीजिए प्लीज ऊपर स्काई की तरफ, दूसरी साइड पर प्लीज फिर ट्विस्ट करें यहाँ पर, इनहेल सेंटर और यहाँ पे सांस भरा और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे बेंड करें, राइट साइड पर प्लीज अपर बॉडी को हिप नहीं मूव करनी, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे प्लीज, लेफ्ट साइड पे, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए प्लीज प्रे पोज, आंखें बंद, शोल्डर डिले, एल्बो डिले, बिल्कुल रिलैक्स करें बॉडी को, अपनी बॉडी में सेंसेशन को फील कीजिए कहां पे क्या फीलिंग आ रही है और इनर स्माइल, चेहरे पे मुस्कुराहट, इनहेल एंड एक्सहेल, मुंह से सांस आउट ब्रेक करना, नाक ये लगा नाक इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, फिर जाइए प्लीज इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड, स्टेप बैक कीजिए प्लीज, प्लैंक पोज, काम पर एक्सहेल करते हुए चतुरंगा दंड आसन, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग और यहां सांस भरा होते एक्सहेल करते हुए जाएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर, यस सर सर ये तो कहां गई है, मैं करवा रहा हूं आपको एक डिफरेंट तरीके से, जाएं प्लेन प्लैंक, एक्सहेल करते हुए जाएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल करते हुए प्लैंक पोज, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल करते हुए प्लैंक पोज, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, स्टेप बैक कीजिए, हिप हील के पास प्रेस बोलते हैं खोल रहे हैं उनको कोई अर्ज नहीं है और आप फॉरवर्ड चाहिए प्लीज, इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, फ्लैट बैक, हार्ट को सेट करना है, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए चेयर पोज, चेयर पोज, हील को हैवी कीजिए, जब मैं हील को हैवी का नाम लूंगा हिप को एक इंच डाउन करेंगे,
अब साथ में देखना ये अंदर रहेगा करो हाँ फॉरवर्ड चेस्ट को ड्रॉप करें थाइस के ऊपर चेस्ट ड्रॉप करें थाई के ऊपर चेस्ट ड्रॉप करें थाई के ऊपर और आंखें बंद सांस पर तो जो देखिए अपनी बॉडी में सेंसेशन फीलिंग टूटू को ढीला छोड़ना है एल्बो को ढीला करना फिर तो देखिए यहाँ पे बॉडी में सेंसेशन आई है अगेन ले लेते हैं अपर सल्यूट और एक्सेल करते फॉर जे फॉरवर्ड फोल्ड पे प्लीज एले करते हाफ पे लिफ्ट एक्सेल करते फॉरवर्ड फोल्ड स्टेप बैक कीजिए प्लीज प्लैंक प्लैंक पोज अब अपना राइट हाथ को टच करें लेफ्ट शोल्डर से राइट हाथ उठाएं उसको लेफ्ट शोल्डर से टच करें राइट हाथ को मेरी भाई तो हाथ को उठाना है चाहिए तो टच करो और राइट हाथ लेके बाहर यहां पर बैठ के बाहर प्लीज राइट हाथ को भैया सांस भरा फिर करते जाए प्लीज चतुरंगा डांडा करें दोनों एल्बो बैंड करेंगे प्लीज प्रॉब्लम एंड हिल अप और एक्सेल के दोनों हाथ वापस आए प्लीज हाथ वापस लीजिए अब लेफ्ट हाथ करें राइट शोल्डर को टच और लेफ्ट हाथ बाहर मैट के प्लीज और एक्सेल करते प्लीज चतुरंगा डांडासन एंड हिल अप और हाथ वापस यहाँ पे सांस भरा और एक्सेल करते चतुरंगा डांडासन दोनों एल्बो बॉडी के साथ प्लीज सांस भरते प्लीज आइए अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग उतने बेंड कीजिए उतने टच कीजिए अपना खुद चाइल्ड पोज लीजिए प्लीज चाइल्ड पोज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक बात बोलिएगा एड़ियों के साथ आप सब सेफ बनाने के लिए आपको क्या तकलीफ है वीडियो लगाते बना बना के अपनी मैच आप और एक बुनियादी ग्रुप की लोगी सर मुझे टच करना जरूरी नहीं है सर के नीचे ग्लास मुठियां सारे भाग रखो लेकिन हिप को हील के साथ और सांस से भरना है सांस पेट एक्सपैंड होगा थाइस को टच करेगा पेट भरे पांच ब्रेथ ले आते भी पांच ब्रेथ पांच ब्रेथ लें प्लीज फाइव ब्रेथ अपने
जब आप 5 मिनट पूरे हो जाए प्लीज उठ के बैठ जाइएगा। हाँ जी, दिस इज अदर वार्म अप सीरीज, मैं आज को वार्म अप सीरीज करा रहा हूँ। मैं क्या फीलिंग आई है? देख गई है, इसलिए फ्लो का फायदा जब आता है योगा करते हो और तुम्हारा माइंड साथ देखो हम लोगों को तो हम फॉर्म भी ले आऊंगा। 1 2 तो ब्रेथ मूवमेंट 1 2 3 4 5 उतारा इसको स्टार्ट कर दो और मजाक उड़ाते हैं तो वो गलत भी हो रहा है कोई कुछ बोल रहा है। और जो दरम्यान में नारा यूज करते हो नारा बंद खत्म। एंड भी अगर योगा क्लैप करनी है तो आपने लाकर योगा करना है शुरू है, लेकिन कैसे हैं आप बला बला ये सब जोक्स हैं डोंट वरी। आपने योगा भी चीज ऐड करनी है इस तरह आप नमाज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो ये वो तर भी उसमें ना इसमें कोई भी मजहब की चीज अपने कोर्स में मत रखिए। आपके क्लब का बुनियादी 3 रुपये हैं नॉन कमर्शियल नॉन रिलीजियस, हम रिलीजियस को प्रमोट नहीं करते कैसे आपको पूछा वहाँ ये तो सर हमारी करते हैं इसको या बात करते हैं करते करते हैं पॉसिबल बात चल जाए करते हो बाली बात करते हैं करते हो कि क्यों कौन सा बंदा आगे घूम करते हैं जनाब हमारे मत भूल जाए। सर ये भी बीम को लेट डाउन करने वाली बात है कि आप पॉट टाइम लगे तो इस्तेमाल सर टाइम निकाले फिर सर नहीं होता है कि आपको के अंदर में आना वो मॉर्निंग में सलाह करूं ताकि जल्दी हो जाए। लेकिन वो आप अगर देखें मतलब वो तो ये हमें थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, फिर भी लोग अपने मोहब्बत को कर लेते हैं ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन नो क्लैप नो वेलकम फिनिश ठीक है, इवन चाहे मैं भी आऊँ डोंट वरी ठीक है। तो ये चीजें खत्म करें, एक प्रोफेशनल क्लब बनाए। आप बाबा का द्वारा योगा लॉन्च से रजिस्टर्ड हो चुका है, उनकी मुझे ईमेल आई, मैंने तस्वीरें भेजी थी आपके सेंटर की, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया पर। और उनके लगता है बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग योगा लाइन से रजिस्टर्ड होंगे। $115 फीस है उनकी, अगर आपने कुरिकुलम पास कर लिया प्रॉपरली आई कैन इशू ए सर्टिफिकेट जो योगा लाइन के लिए होगा और वो सेपरेट होगा, वो आई वाई का सर्टिफिकेट ही होगा, उस आई वाई लोगों नहीं होगा ठीक है। और वो सर्टिफिकेट जो है जब आप उनकी वेबसाइट पर जाके जमा कराओगे वो आपको रजिस्टर्ड मेंबर बना देंगे और आपका नाम वेबसाइट होगा, जैसे मैं दिखा चुका हूँ ठीक है, आज मैं दिखाता हूँ आपको। एनी क्वेश्चन प्लीज कम टू द पॉइंट। हाँ जी, यहाँ आने का फायदा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ तेरी बात ये सर फोकस जो है ना देखते हैं वीडियो उतना दोबारा जो मरी मरी बातें मरे मरे हाथ प्लीज हाथों में जान डालो हल्का सा बैकवर्ड एंगुलर स्केच कराया है और यहाँ मूव किया और ये इसमें मैक्सिमम वेट आपका लेफ्ट फॉर्म आएगा, जब राइट में जो राइट फॉर्म होल्डिंग रहेगा ये हल्का सा हमारे जो ग्लूट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज है ताकि वो परफॉर्म करें। ये फोर्स को आपने साइड पे किया है एकदम थोड़ा सा। हां इसमें देखो आप इसमें मिस्टेक क्या कर रहे हैं, सोचा आपने आप यूं मूव कर देते हो ये अपर लो यहां से नीचे मूवमेंट नहीं है, ये अपर बॉडी मूवमेंट करना कैसे है क्रिया और ये बाजू ऐसे बैठना बहुत सीधे हो
देखिए मैं डाउन नहीं हुआ, हिला अपर बॉडी मूव की और अब मैं गया हूं ये हिला, आप यहां भी आप इधर से ड्राप कर दे। अच्छा ये काम करते हैं जी, आप अगर आप चाहो तो अपने कैंप के काम कर ले जो नहीं, लेकिन लेग नहीं मूव करने, ठीक है। अगर आप चाहते हो देखो यहाँ पे लाइन अपने पाउंड पुंजों को यहाँ यूज करते, यहाँ ना देखे मेरे घुटने का चले गए, ये लाइन ये मिडिल फिंगर बता रही है। एहलाब एक्सहेल, एक तरीका तो ये है दूसरा, आप जा सकते हो यहाँ तक मेरी लेग में मूव नहीं आई, आप क्या करते हो साथ लेग मूव कर सकते हो। ये भी आप लोगों की इनिशियल है ये पोज, और ये वार्म अप के लिए बेहतरीन पोज है। आप जब मेरे साथ स्लो करते हो तो मेरा पहला सा स्लो था, अगला सा एंड पे बहुत फास्ट होता है, और एंड पे वो काफी हार्ड होता है, उसमें कुछ चीजें ऐड होती है, मतलब उसमें हम लाइक वैरियर वन वैरियर टू रिवर्स वैरियर देन आगे ट्राइंगल पोज देन एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, वहां से फिर बैलेंसिंग मिल जाते हैं, वहां पे हम हाफ मून ले लेते हैं, वहां से हम वापस से योगी पुशअप पे आते हैं, वो काफी स्ट्रांग होता है आपका, ठीक है। एनी क्वेश्चन और ब्रेक आई लेकिन जिस बंदे को घुटने की दर्द हो रही है उसको नहीं करना, उसके छोड़ना या स्पाइन का दर्द हो रही है उसको नहीं करना, ठीक है। दो लोगों के लिए बेस्ट है, पुशअप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हर बंदा पुशअप नहीं कर सकता, पुशअप मुश्किल तो हाथ मैट से बाहर, मैट से बाहर हाथ की फिंगर खुली और पूरी करो, स्टार्ट आपने पांच करना है, देखा एल्बो बेंड करो, दूसरे एल्बो, वेरी गुड अब ये मैं करके दिखाता हूँ, करने ही करते हैं। एक तो पहले बात यह है थोड़ा सा फास्ट ना करें तो आप लोग की ग्रिप नहीं आती, जब फास्ट संपर्क करते हैं जब हमारी ग्रिप लग जाती है, तो ये देखें करना कैसे है, मेरे पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऑनलाइन वाले दोस्तों देख लो, सब मतलब क्या करें, पांव जोड़ने हैं बॉडी ऐसे लेवल पर, अब देखें हाथ की फिंगर्स खुली है, पंजा खुला पूरा, एक साथ बॉडी मूव कर रही है। जब आप इसे नो टच करते हो ज्यादा मुश्किल होता है पोज़, ठीक है। सारे ये 4-1 का फोर कर देंगे और फोर थ्री ठीक है, साथ में करना इसको, ठीक है। ये 4-1 का स्लो करना चाह रहे हैं, मैं चाहते हैं इसको तीन दफा करूंगा क्योंकि मेरा जो चेस्ट का मसला है, हार्ट और ब्रीथ में मुझे कुछ अब मना करते हैं, जो सर्जरी हो उसको मसला हो उसको ना करें, लेकिन मैं समझा कर रहा हूं। हिप डाउन हिप यहां, अब आप क्यों बॉडी लकड़ी का फटा होगा, वेरी गुड एक्सीलेंट, साथ में बड़ी पूरी एक्सीलेंट, यू वर गुड जॉब, वेरी गुड। कौन कौन कैसे खाता बोल रहे हो, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन में दोस्तों, एनी क्वेश्चन गुलाम फरीद साहब जरा दोबारा कीजिएगा प्लीज, ये देखे दोबारा ये कर रहे हैं गुलाम फरीद साहब, सर गुलाम फरीद साहब का देखिएगा प्लीज ऑनलाइन में, वेरी गुड। उनको एल्बो ठीक कर रहे, एल्बो एल्बो उनके हाथ हाथ कम खुले, उनके हाथ ज्यादा खुले, गुलाम फ्रीज हाथ ज्यादा खुलो,
पाँव में फासला जीरो, हाथ मैट से बाहर, इनहेल। जी जी प्लीज देखे सर, ऑनलाइन दोस्तों को देखो यार, सब देख रहे हैं, वेरी गुड। फिंगर टिप्स को बजाएं, हाथ पर उंगलियां नहीं खुली, उंगलियां खोले और फिंगर टिप्स को प्रेस करें। सर उंगलियां खुली हैं सर। तो ये इसका तरीका कार पता है क्या, आप दे दीजिए सर पांच, फिर उसके बाद दस कर लेंगे, छह कर दें आज सर, एक दम नहीं बढ़ाने क्योंकि इसमें शोल्डर में पेन निकलती है, अगर शोल्डर में पेन हो तो पुशअप स्टॉप करते हैं। सर ठीक है, यस ओके सर, थैंक यू सर। पूरी बॉडी दिलानी है, बाल बाल को बंद करो, चेक कर, बाल को बंद करो, साथ ही लगा, बॉडी दिलाओ, बॉडी दिलाओ, पूरी बॉडी दिलाओ, पूरी बॉडी दिलाओ, पूरी बॉडी, और जाने, और जाने, और जाने, और जाने, ओके सर। इरम खान साहब, इरम खान साहब, अमर गो फॉर ब्रेक, आप ऑनलाइन लोग देखते रहो, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। पाओ का फासला बिल्कुल कम करना है, दोनों हाथ पैड के एजेस पे ले जाने, उंगलियां पांचों के ऊपर वेट होगा और यहां से एल्बो को ध्यान देते हुए खान साहब थोड़ा सा हाथ को खोलिएगा, खान साहब हाथ को खोलिएगा प्लीज, और यहाँ पे राइट पाम राइट हाथ के बाहर ड्रैगन को और यहाँ पे एल्बो को शिफ्ट कर लेल्बो नहीं होता तो वहीं पर रहे और बॉडी को सर नीचे ब्लॉक यूज कर लें प्लीज, सर नीचे ब्लॉक रख लीजिए, बॉडी को ब्लॉक खड़ा करके रख लें, सर नीचे ब्लॉक यूज कर बॉडी करके साथ बॉडी का और अपने तीन मिनट के लिए करेंगे, पॉइंट स्टार्ट हुआ, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, अपने इनहेल एंड एक्सहेल, अमर चेक करो तमाम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे वीडियो नजर नहीं आ रही कोई लोगी, जिसकी वीडियो ऑन नहीं है उसको प्लीज आउट कर दो सर, अभी जो है वो सारे वापस आ रहे हैं तो विद इन मिनट जो है एवरीवन चेक करो, ड्रैगन पोज प्लीज, जी ड्रैगन पोज में आ जाएं, कामरान भाई, कामरान महमूद भाई, बनी करो मैट लेके आओ, मैट लेके पार्टी को लेट को करना प्लीज, अपने आप को पीला छोड़ते हैं वजूद को, आंख खोल खोल पा के दिखना नहीं है प्लीज, दिखना मना है, आंखें खोलना मना है, ब्लॉक अपना वर्टिकल रख लें, फ्लैट रख लें, इस तरह आपको आसानी हो उस तरह रखें प्लीज, ब्लैक को अगर आपकी घुटना बहुत टिल्ट हो रहा है तो पाँव थोड़ा बाहर खोल लें, पाँव थोड़ा बाहर खोल लें, घुटना लाइन हो जाएगा, और अब हो गया जिन्होंने 2000 रुपया जमा कराया उनको मिल गया,
दोस्तों लास्ट 1 मिनट इज सेकंड फोर्थ जरूर है ड्रैगन फोर्स वन लाइन सर लगे हुए हैं चल ठीक हो गया। पहला कानून यिन योगा का अपनी एज फाइंड करना लिमिट फाइंड करना। दूसरा कानून अपनी बॉडी को स्टैटिक करना, बॉडी में मूवमेंट ऑफ डॉक्टर साहब मसल सर मूव कर रहे हैं आपकी बॉडी स्टैटिक नहीं है। अपनी बॉडी को स्टैटिक करना, नो मूवमेंट, नो वर्क, सांस ना फूले, हार्ट भी ना बढ़े। तीसरा ला पेशेंस का सब्र का 3 मिनट का टाइम गुजारना। लास्ट 15 सेकंड प्लीज छोड़ दो नहीं किया था ब्रो मुझे वापस नहीं मिला दोस्तों। धीरे धीरे अपने हाथों पर आई सांस लेने लगते हैं और यहाँ से दिल करते जाएं पीछे प्लीज अपने लेग पे वापस 3 लेग अपना राइट पाँव ले जाएं प्लीज लेफ्ट पास के पास राइट पाँव को मूव करके हम जाएंगे स्लीपिंग स्वान के अंदर SWAN स्वान। राइट लेग आगे फॉल कर देगा। अब आपका राइट हिप नीचे जमीन से टच नहीं करेगा। प्लीज रिमेम्बर इट अपने घुटने को और हील को अलाइन करें और आगे फॉल डाउन कर दें अपने हाथों के एल्बो पे जो आपको आसान लगता है या हाथ पे तकिया बना लें प्लीज। और नेक्स्ट 3 मिनट के लिए आप स्लीपिंग स्वान में रहेंगे। आपकी राइट हिप नीचे टच नहीं करेगी, राइट हिप उठे रहेगी। अगर प्रॉब्लम है राइट हिप नीचे ब्लॉक इस्तेमाल कीजिए प्लीज। राइट हिप के नीचे ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। नौ बजे आएंगे देखिए अपनी बॉडी में आप हिप चैनल ओपनिंग कैसे हो रही है प्लीज। लास्ट 40 सेकंड और अपने सांस पर जो हिल के प्लीज। और यहाँ पे अब ये जो है वो लेफ्ट घुटना इसको बैंड करें। अब जाएं अपना डी एयरपोर्ट के अंदर जिसे 90-90 कहते हो, चार की शक्ल बनानी है अपनी, चार की शक्ल। इसमें हिप आपके नीचे टच करेगी। अपना पिछला पिछला जो घुटना है वो हिल के तक लाइन होगा। नाइनटी नाइनटी का पोज देखा हम एक शू है अपनी से पोज में चले गए हैं इस साइड पे। और
इसमें क्या भी चल रही है कि मैं तो अपना चीज करता हूँ ऐसे ही कर रहा हूँ कितना होना है कितना करने के लिए वो क्या अभी से तो मनी भी चाह तो बताओ बड़ी बढ़ रही है फैमिली ऊपर वापस जाए 3 लाख डाक के ऊपर 3 लाख डाक के वापस फॉर्म नीचे टच करें डाउनवर्ड फेसिंग डाक और सांस भरे और अपने चेस्ट को मूव करते हुए जाए प्लीज थाइस की तरफ आप वॉकिंग पोज करें घुटना बेंड करें और एक स्ट्रेच करें जब जो स्ट्रेच करेंगे थाइस को बुलेंगे उस थाई की तरफ मूव करेंगे प्लीज चेस्ट को और फिर दूसरी तरफ आए प्लीज सांस भरे आप तो आप चेस्ट को मूव करें दूसरे थाई की तरफ यस की चलाओ अब यहां से वापस लेफ्ट लेग उठाइए फिर लेफ्ट लेग वापस जाए प्लीज ड्रैगन पोज पे दूसरी साइड पे ड्रैगन पोज दूसरी साइड पर प्लीज एडजस्ट करें अपने आपको दूसरी लेग नीचे लेट जाएगी पॉम्प से लटा रही है घुटन टच करें पॉम्प और अपने एल्बो पे हाथों में जो आपको स्थान लगता है प्लीज अपने उम्मीद ही करें प्लीज बॉडी में कुछ समस्या ना हो मुश्किल ना हो अगर प्रॉब्लम हो जो आपका घुटना बैंड है उसको थोड़ा बाहर खोल लें वो धीरे हो जाएगा बहुत आपका बीता हुआ कहाँ पर क्या कर रहे हैं हम क्या करें ड्रैगन पोज में जाना ड्रैगन पोज लास्ट 1 मिनट अमर साहब ऑनलाइन वो चेक करें कुछ मुझे कर खिलजुल नजर आ रही है उनके अंदर एक मजा उठ के बैठा हुआ था जी हाफ बैदुल्ला साहब और रजा भाई वॉक एंड से प्लीज अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज अब यहाँ से धीरे धीरे सांस भरते हाथों पर आए हाथों पर
और हमें सर फॉर्म को मूव करेंगे दूसरे साइड के ऊपर, यहाँ से हम जाना है स्लीपिंग स्वान के ऊपर, एस डब्ल्यू एन स्वान, और यहाँ पे राइट फुट आपका घुटना हील से लाइन करेगा। और वीडियो ऑन है सर। ओके 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 ओके। हाँ, और यहाँ पे आप बिल्कुल लेट जाएंगे, आपने चेस्ट आपका आपकी बैली आएगी ब्लैक के ऊपर और लेट जाएगी प्लीज स्लीपिंग स्वान। आपकी हेल्थ को टच नहीं करेगी भी मैट सेंसिटिव भी है, अब वो है। अब आपकी हेल्थ जो है उसके नीचे ब्लॉक रख लें, लेकिन हेल्थ नीचे मैट से टच नहीं करेगी, स्लीपिंग स्वान पोज है। आपकी लेफ्ट हिप जमीन से उठी रहेगी, लेफ्ट हिप जमीन से उठी रहेगी, उसके हिप के नीचे ब्लॉक रख लें प्लीज। ठीक है, पॉम्प के लाइन लग सीधा करें पॉम्प से। हाँ, लाइन लाइन पॉम्प पंजा उल्टा करें। यस, अब ले रहे हैं, अब ले रहे हैं अपन अपना मिड लाइन दूसरी तरफ, इस खाई के बेस लेग के ऊपर लेटना अपनी लेफ्ट लेग। राइट शोल्डर डाउन करो, ठीक है शोल्डर, हां फ्रंट के डाउन का है से, वेरी गुड। लास्ट 1.5 मिनट स्लो डाउन करें, अपने ब्रेथ को कहें तो सांस लेते हुए निकालते हुए आवाज में सांस की बजाओ, इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो, वेरी गुड। इसको डिस पर ये भी कर दो, मेरा टू सर बताओ इसको कर दो, सांस को जो इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट 1 मिनट और ब्रेथ हमेशा पहले से इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल ग्रीन कलर को फील करो एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली से फिर पांव की तरफ तुम ये सांस को अभी फिर देखो उठाओ ऊपर से शोल्डर्स के डाउन ड्रॉप, शोल्डर्स के डाउन, शोल्डर डाउन ड्रॉप, शोल्डर डाउन ड्रॉप, हाँ शोल्डर डाउन ड्रॉप, डाउन ड्रॉप शोल्डर। यस, अब आपको जो क्या लगता है कि व्हाइट शर्ट वाला कौन सा उधर ठीक हो, आई रेड शर्ट भी आज कितने लोगों ने शर्ट की फॉलो की, इतना नहीं किया सर ने बताया था कि कोई भी टाइम नहीं होगा, अच्छा नसीब ब्लॉक उसे वहीं पर आता है कंपलसरी कहा था उसको लिखना वाली है लिखा है वो पाए खाना बंदोबस्त ना करो, जिसे पाए उनको नहीं आती है, दोस्तों धीरे धीरे सांस बढ़ते बॉडी पर है ये प्लीज आज दिन तू शो कर पड़ तो कैसे और ये अब इस पे आपने जाना है 90-90 डिग्री पोज पे, यानी कि डियर पोज पे, तीसरा पोज साइड पे 9 मिनट 18 मिनट में देख पड़े पोज में हो गए अंधेरे, तो इस तरीके से टाइम आपने चलता है। ये है फ्लो में, ये नहीं होगा है, ये नहीं होगा, फ्लो में चल रहा है आपका, आपने स्टॉप नहीं किया लेने 90 डिग्री का पोज, इसपे पोज की जो रखती है एक्सलेट क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री पर होनी चाहिए, घुटना आपका बाहर है वो 90 डिग्री पर, नींद ठीक और खड़े बात बांधते वो ठीक कर नहीं, चक्कर काट ले यार जनाब ने यार वो ठीक करो प्लीज यार।
Inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. अपने सांस पर तो जो सांस निकल करते महसूस करें हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और सांस निकल करते महसूस करें हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी आउट हो रही है. एज ए योगा टीचर यू मस्ट नो हमारी बॉडी हमेशा प्रेजेंट में रहती है, हमारी सोच में रहती है, सिर्फ माइंड कम वक्त है जो जो फ्यूचर में जाता है या पास में जाता है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ अवर माइंड. जब मैं कहीं और अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए अपने सांस पर फोकस कीजिए. ये योगा का पहला कानून अपनी एज फाइंड करना, लिमिट फाइंड करनी है और आंखें बंद करनी है. दूसरा कानून अपनी बॉडी को स्टिल करना है, गर्दन नहीं लानी, सर नहीं लाना, बाजू नहीं लाने. और तीसरा कानून अपने बॉडी को पेशेंट के साथ 3 मिनट का टाइम गुजारना है. इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, देखिए बेली भरेगी यहाँ पर, एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली. और ब्रेथ को स्लो डाउन करना है. ब्रेथ इज आवर मूड कंट्रोल ऑफ आवर माइंड. यहां से आप धीरे धीरे सांस को निकलते आए पहले हाथों के ऊपर एकदम से गाना स्लो डेट स्लो आहिस्ता 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 आंख नहीं खोलनी. और एक दिल करते प्लीज अपने राइट हाथ से राइट थाई को पकड़े और इसको फ्रंट पे लेके आए प्लीज बैक को इसको फ्रंट पे लेके आए. अब अपना लेफ्ट पाँव राइट राइट थाई के अंदर लगाना है. जाना है हाफ बटरफ्लाई पोज, हाफ बटर अंदर लगाना है ऊपर दिखने को आपको हाफ बटरफ्लाई पोज. और अपने बॉडी को सीधा करें, पाँव सीधा खड़ा करें, सांस भरा और एक्सहेल करते हुए फॉल डाउन कर दें. जोर नहीं लगाना, पाँव को नहीं खींचना, स्पाइन को नहीं खींचना. एक नेचुरल कर्व बनेगी कमर के अंदर. हाथ जमीन पर छोड़ दें, बॉडी को ढीला छोड़ दें, बॉडी को टॉर्सो डाउन कर दें, बॉडी को ढीला छोड़ दें. आंख खोल के नहीं देखना प्लीज. यस गुड सर, तब गुड. और अपने सांस पर तो जो प्लीज अपने शोल्डर डाउन गर्दन डाउन. एक नेचुरल कर्व आया आपके स्पाइन के अंदर. इस लम्हे को इस मूवमेंट को एंजॉय कीजिए और अपनी बॉडी में सेंसेशन जैसे तासरात फीलिंग्स कैसी पैदा हो रही बॉडी में अपने जॉइंट्स के अंदर. अगर स्कैन करोगे तो अपना ब्रेन अपनी स्पाइन अपने शोल्डर ऑल द वे डाउन हिप जॉइंट अपना राइट घुटना राइट पाँव और लेफ्ट घुटना लेफ्ट पाँव. इस तरह से बॉडी में सेंसेशन को देखते हैं और बॉडी को लेट गो कर देते हैं प्लीज. अपने सांस पर जो इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली. अपने सांस पर तो दोस्तों देखा बेल्ट बांधी है हमने सांस अपना जब फॉरवर्ड फोल्ड होते हैं तो बैली से सांस लेना मुश्किल काम होता है लेकिन आपने जस्ट एफर्ट करनी है. ये कौन सा पोज? हाफ बटरफ्लाई पोज. हाफ आप बटरफ्लाई करते हैं दोनों पाँव जोड़ देते हो आप एक पाँव लेग सीधा कर दिए जुड़ा हाफ बटरफ्लाई पोज. लास्ट 30 सेकंड प्लीज स्टिल करें बॉडी को. आंख भी खुलेगा आंख भी खुलेगा दोस्तों. बॉडी को स्टिल कीजिएगा स्टिल शोल्डर ढीले पूरा वजूद ढीला डाला सांस पर तो इनहेल एंड एक्सहेल. लास्ट 20 सेकंड प्लीज लास्ट 20 सेकंड ऐसे धीरे धीरे डेड स्लो उठाना बॉडी को सांस बढ़ते बढ़े उठाएं. जिनकी बॉडी बहुत डाउन है वो उठाएंगे बाकी जिनकी ऑलरेडी सीधी है नो वरीज सांस लेने करते उठाएं प्लीज. अब यहाँ पे
इनहेल करते हुए लेफ्ट पॉम फाड़ो थाई को रखिए प्लीज लेफ्ट पॉम फाड़ के थाई को रखिए और अपन दूसरे घुटने को बैंड करके वो पॉम और लेफ्ट थाई के नीचे लाइए प्लीज राइट घुटने को बैंड करके और राइट पॉम और लेफ्ट घुटने के नीचे लाइए दिस इज फायर लॉक कोर FRI फायर लॉक कोर अब उसे दोनों बाजू को उठाएं साथ में लेते हुए नहीं होता सुखासन में आ जाए प्लीज सुखासन दो बर्तन दो दिस इज डिफरेंट व्हाट यू आर डूइंग बर्तन दो एक्सक्यूज मी सर सर जी सर जो ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आ रहा वो आप भी थोड़े सामने आ गए अफगानी भाई भी सामने आ गया किसी एक को स्पॉटलाइट कर लें फायर लॉक कोड जो है वो इस तरीके से मैंने बस देखे यहाँ पे पांव रखा आपने और ये घुटना से बैंड किया और इसको यहाँ ले लीजिए दिस इज एग्जैक्ट लेयर ऑफ फायर लॉक कोड ये पांव थोड़ा सा ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे इसे फॉल डाउन कर देंगे अगर ये नहीं होता तो प्लीज ये सुखासन जिसे बटन आप बाल्दी बाल्दी मार कर यहाँ पे ड्रॉप कर दें ठीक है आपने आपको ड्रॉप कर दें प्लीज दोनों ऑप्शन मौजूद है हमारे दोनों ऑप्शन घुटने के ऊपर घुटना आता है वो ठीक है नहीं तो आल्दी बाल्दी मार के सर नीचे ब्लॉक ले लें और हिप ना उठे प्लीज बॉडी को जोर नहीं लगाना और अपनी बॉडी को कंफर्टेबल रखते हुए रिलैक्स करते हुए स्लो डाउन करते ब्रेथ को फॉल डाउन कर दें प्लीज आगे ब्लॉक यूज करें मुठिया यूज कर लें ठीक है बॉडी को ढीला करना प्लीज ताकि सांस आपका जारी रहे इनहेल एंड एक्सहेल फॉल डाउन कीजिए प्लीज थोड़ा सा अभी बात करें आप ले रही है कमर के बल जो मैंने पोस्ट बैठे थे करें प्लीज छोड़ दें अब आपकी बारी खत्म किया हमने आप स्पोर्टेड ब्रिज पोज करें नीचे रखें आप इस दौरान स्पोर्टेड ब्रिज पे जाएं प्लीज ये और दो फासला बराबर दोनों बाजू कैक्टस आम सरकार साहब आपके लिए दोनों बाजू कैक्टस आम कैसे खाए थे आपको मुझे कैक्टस आम करके नजर भूल गया यार कैक्टस आम साठ कर दिया हमने रात को वीडियो ऑन करके छोड़ दी थी और सो गए थे और वीडियो चलती रही हमारी प्रैक्टिस हो गई क्या सांस पे तो जो इनहेल ये तो पता चले कुछ जितना ग्लैम है बारिश होनी चाहिए ना तक साहब की ना अगर मुकेशी की ना शेख जात की सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं मैंने किसी को सर्टिफिकेट आपकी मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट वाले नहीं करने दोस्तों यहाँ से धीरे धीरे अपने आपको और कीजिएगा प्लीज तो बड़ी बताइएगा और यहाँ पे देर करते हुए लेफ्ट लेग सीधी करें प्लीज राइट पॉम डलवा लेफ्ट थाई के अंदर लगाइए हाफ बटरफ्लाई पोज ऑन द अदर साइड हाफ बटरफ्लाई पोज ऑन द अदर साइड सर शोल्डर पोज का नाम है हाफ बटरफ्लाई पोज नहीं हाफ बटरफ्लाई पोज बहुत से आते हैं प्लीज अपने सांस को फैलाइए इनहेल एंड एक्सहेल फॉल डाउन कर दें प्लीज जो फॉल डाउन करेंगे बॉडी में मूवमेंट ना आए वही सब ठीक हो जाए वही सब आप ठीक हो जाए प्लीज ऐसे ना करो वापस जाओ वापस आज वापस उनको बॉडी को गीला छोड़ो हमने एक शेप दिया और नेचुरल कर्व है आपकी स्पाइन के अंदर गर्दन के अंदर हम जोर नहीं लगा रहे हम खुद से नीचे नहीं जा रहे ग्रेविटी की एक्सप्रेशन जमीन को अपनी तरफ खींच रही है और एक नेचुरल कर्व है आपकी बॉडी के अंदर सांस का काम सिर्फ सांस है ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ माइंड
ये सब एल्बो डीले कर दिया कुछ बताया एल्बो बैंड करते एल्बो डीले छोड़ दें एल्बो एल्बो डीले हाँ ऐसे और डीले करें यस इसे लड़के कर दिया अभी सांस पर तुझे प्लीज इनहेल एंड एक्सहेल आज आसन ऑनलाइन की क्लास थी मैंने आपके आसन को ऑनलाइन कराया आप लोग से प्रैक्टिस भी कराई है और आज देखेंगे आप लोगों ने सारा सेशन मेरी मैंने खुद भी आज नहीं किया आपने मेरी डायरेक्शन को फॉलो करके किया है दैट इज अ गुड साइन आई रियली अप्रिशिएट नाउ यू गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अब आपको समझ आना शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी हमारे लास्ट 10 सेकंड है दैट स्लो इनहेल करके बॉडी को उठाइएगा और एक्सहेल करके प्लीज घुटना बेंड करेंगे ये पांव उठा करके लेफ्ट राइट पांव करके लेफ्ट साइड ऊपर और दूसरा घुटना बेंड करें और तो टर्न करके लेफ्ट घुटने के लिए लें अगर ये नहीं होता तो आम खाता आपका जो है वो आलती पालती सोफासन जिसमें कहते हैं उसमें आ जाए और अपने आप को फॉल डाउन कर देंगे फॉल डाउन कीजिए प्लीज ये हमारा आधे घंटे का तकरीबन फ्लो मुकम्मल होने जा रहा है ये योगा के लिए फॉल डाउन करें बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ें आपने स्पोर्टेड प्रिंस कर लिया आप अब लेटे हैं तो राइट घुटना बेंड करें तो राइट घुटना बेंड करें सांस भरे पहले पूरा से पकड़े घुटने को पकड़े आप अपना राइट बाजू राइट साइड ओपन कर दें राइट बाजू राइट साइड ओपन कर दें फिर मुझे उठ के देख रहे हैं आवाज नहीं सुनना मेरे कराओ क्योंकि बॉडी में सेंसेशन कैसे आ रही है क्योंकि 90 सेकंड पूरे होते हैं हमारे जॉइंट में तो आपके काम होना शुरू हो जाता है जिससे हमारी मोबिलिटी इंप्रूव होगी इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली अपने सांस पर तो जो अपनी ब्रेथ पे फोकस करें ब्रेथ इज द मोड कंट्रोल ऑफ अवर माइंड माइंड बॉडी एंड सोल जब आप मेरा वर्ड सुनते हो माइंड से माइंड बॉडी को मैसेज देता है बॉडी कन्वर्ट होती है शेर में और फिर हमारी सोल कनेक्ट हो जाती है दोस्तों माइंड बॉडी एंड सोल लास्ट 30 सेकंड है हमारे पास बादल अच्छी शेयर कर रहे हट लेट ग्रो की जब भी अपनी बॉडी को धीरे धीरे सांस में निकल बॉडी को उठाइए दैट स्लो ये बिल्कुल नीचे रहते हैं दैट स्लो उठाएंगे बॉडी को और यहाँ से एक्सहेल करते हैं प्लीज दोनों स्ट्रेट कर दीजिए बिल्कुल दोनों लेग स्ट्रेट कैटर पिलर बोर्ड हम बिगिन योग में इसको कहते हैं कैटर पिलर बोर्ड इसे पावर योग में जाने पशु मुदाल आसना सीटेड फॉरवर्ड बेंड ठीक है और आपके सांस भर के फॉल डाउन कर दें प्लीज अपने घुटनों के ऊपर बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दें हाथ अपने लेग के बाहर पांव का फासला हिप के बराबर डाउन करते अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते बॉडी को सांस को कंटिन्यू कीजिए प्लीज
अमर साहब ये तरह के सारे बैठे हुए, कोई बंदा नहीं कर रहा काम ऑनलाइन वाले, ये बैठे लगता है कोई खीर खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तीन बंदे इकट्ठे बैठे हुए हैं और खीर खाने की तैयारी में है और खीर इनको मिलनी को नहीं है। सर ये जो है ना बैठे हुए थे तो इसलिए स्पॉटलाइट किया कि ये जो है सीटेड फॉरवर्ड फ्रंट में डालें इनको प्लीज। ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस दावत पे आए हुए लगता है, तैयार होके बैठे हुए हैं। या भाई मानी तेरा ही आशा ही तब कर रहे तो हैं, कोर्ट में डालो कोर्ट के अंदर। अमर नहीं तो उनको वीडियो उनकी इनको प्लीज आउट कर दो, नहीं मार बात कहना मान दे दो इनको पोस्ट में डालो प्लीज। अपना कैटरपिलर पोस्ट है पावर योगा में स्कूल कितना सीटेड फॉरवर्ड बेंड, ये मुझे लीव कर दो। और पशु मुदानासना लेकिन ये नहीं होगा, मैं कहते हैं कैटरपिलर पोस्ट धीरे धीरे नहल करते बॉडी को उठाइएगा और जाए वापस कमर के पास लेट जाए वापस बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाइए प्लीज। दोनों घुटने पकड़ के मसाज दें अपनी स्पाइन को, लोअर बैक को मसाज दें प्लीज। अपने पकड़ने हैं उनको, अपने घुटने खोल देने हैं प्लीज, अपने घुटने पकड़ के खोल देने ऊपर कर देने इनको, हमें नहीं इनको ठीक कराओ जो ऊपर नहीं करे घुटने प्लीज। धीरे धीरे स्लो धीरे धीरे करना, स्लो डाउन करना प्लीज, स्लो बिल्कुल डेड स्लो मूव करें बॉडी को प्लीज। देखिए लोअर बैक मसाज दोस्तों, आप अपने सांस भर के घुटने लगाएं इकट्ठे करें और एक्सहेल करते हुए प्लीज अपने लेग सीधे कर दीजिए प्लीज, लेग सीधे। अब राइट घुटना बेंड करेंगे और इसको प्लीज अपना लॉक करें राइट घुटने को चेस्ट के साथ और इसको एक्सहेल करते दूसरा अब लेफ्ट बाजू ले जाए राइट बाजू ले जाए राइट साइड पर बाहर पाम फेसिंग टू द स्काई राइट बाजू राइट साइड बाहर और एक्सहेल करते दूसरी राइट साइड पर घुटने को ड्राप कर दें और इतना ड्राप करना है कि आपका शोल्डर ना उठने पाए ना देखो शोल्डर उठ गया साले साहब तो इतना ड्राप करना है कि शोल्डर ना उठने पाए प्लीज और अपनी बॉडी को ढीला ढाला छोड़ दें शोल्डर ना उठने पाए प्लीज और बॉडी को लेट गो कर दें। अमीन चेक करो भी दोस्तों को बॉडी को लेट गो कर दीजिए प्लीज। सर दाया पांव ऊपर हवा में जाएगी, हवा में लेग पे रख दो अंगूठा नीचे लगा लो अंगूठा नीचे लगा लो पांव का एक्चुअली दूसरे लेग पे रख लो पांव को लेग के ऊपर यहां ब्लॉक यूज कर लूंगा जैसे दूसरे पांव को अपनी टांग के ऊपर रख सकते हो सपोर्ट के लिए प्लीज ताकि आपका अगर नीचे टच करना है मुझे तो वो कर सकते हो लेकिन प्लीज अपने शोल्डर को नहीं उठाना इतना बैंड करना है कि शोल्डर आपका कम्फर्टेबल रहे शोल्डर में खिंचाव ना आए। इनहेल एंड एक्सहेल पर तो जो सांस पर फोकस कीजिएगा। अब यहाँ से आ जाना कैट पुल में अब अपनी लेफ्ट शोल्डर को बैंड करें और राइट हाथ लाए नीचे उसी तरह उसी पोजिशन ही होगी लेफ्ट शोल्डर करेंगे बैंड ये है कैट पुल पोज ये योगा के अंदर ये सभी बोल सामने कह दो राइट हाथ से लेफ्ट पांव का पंजा पकड़ लेंगे नीचे से वो सब कहां से जा रहा था ये पांव पर पैर किसको देख रहे यार ये तो टूटे ही था वीर साहब उल्टे चलते हैं उल्टे देख ये हाथ से नहीं यार क्या कर दिया उन्होंने उचित कर दिया सर चेहरा सीधा ऊपर
आपके लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़ा हुआ है, देखो तरतीब भूल रहे हो आप लोग, और राइट हाथ से अपने लेफ्ट पांव का पंजा पकड़ना है। सर जमीन तो सारा वहां जाएगा, कोई थे, दूसरी टांग को बेंड करके आपने राइट हाथ से लेफ्ट पांव का पंजा पकड़ना है, राइट हाथ से लेफ्ट पांव का पंजा पकड़ लेना प्लीज। दिस इज कैट बुल पोज। सर इसकी नरेशन दूसरी भी हो सकती है, अपने लेफ्ट पांव की एड़ी राइट घुटने के ऊपर रखें, राइट घुटना बैंड करें और पांव हिप की तरफ लें। ठीक चेहरा ऊपर सेंटर पे, सेंटर पे चेहरा, चेहरा राइट साइड इसको सर बंद कर दो यार, तो ऊपर बैंड करोगे तो बैंड यू मैं भी की बैंड करूंगा पांव आपका। अब आपको अगर आपसे ये नहीं हो रहा ना करो, छोड़ दो उसको, लेट वही उसी करो पहले वाले पोज पे जो आपका एंगुलर ट्विस्ट लिया था हमने, वो बुलाता है रीइंक्लाइंड पोज बुलाता है, फिर कैट पुल ना ऐड करो, रीइंक्लाइंड पोज। अब धीरे धीरे सांस बढ़ते हुए वापस, पहले सांस लेफ्ट छोड़े दीजिए, लेफ्ट 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 को सीधा कर सबसे पहले, और वापस आए प्लीज सांस बढ़ते हुए बॉडी को लेके, और फिर एक्सेल करते हैं उस लेफ्ट को सीधा करते हैं। आप इनहेल करके दूसरे घुटने को बैंड करें, दूसरे घुटने को बैंड करना प्लीज, आप अपने लेफ्ट घुटने को बैंड करना सांस के लेते हैं, आप लोगों का ध्यान कहीं और है, आप अपना राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़े, राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़े और इसको टर्न करते हैं दूसरी साइड पर, टर्न करते टर्न और दूसरा बाजू ओपन होगा, नाइफ अपना शोल्डर लेवल के ऊपर, शोल्डर लेवल के ऊपर, मैंने कैट को नहीं बोला पहले बोला, तो बाजू ओपन हो गया। अब देखो यहाँ से बात कैट पुल का ऑप्शन है, वो आपको दिल करता है करो वरना वहीं करो, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, ये मंत्रा, इसको मंत्रा को याद करें, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। अपने सांस को गुजर दें प्लीज, इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। Inhale from your nose through your belly. Inhale from your nose. चुप चुप अपने दिल में, अपने दिल में। Exhale from your nose through your belly. सांस पर उठने का सांस पर। सांस हमारी जिंदगी है दोस्तों। लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड प्लीज। धीरे धीरे इनहेल करते प्लीज, अपना राइट लेग सीधा कीजिए, राइट लेग सीधा कीजिए और इनहेल करते वापस आइए, यहाँ से दोबारा सांस इनहेल करें प्लीज और दूसरे लेग को सीधा कर दीजिए, अब दोनों घुटने बैंड करें और जाएं हैप्पी बेबी पोज, लास्ट पोज ऑफ दिस सेशन। हैप्पी बेबी पोज कैसे करते हैं,
पाँव हमेशा स्काई की तरफ और पाँव को साइडों से पकड़ना है या घुटने से पकड़ना है जो आपको आसान लगता है और हल्का हल्का वाइब्रेट करें दो रुपए की मसाज को देखें दोनों ऑप्शन साइडों से रहना चाहिए बेस्ट है अदरवाइज पाँव का अंगूठा पकड़े आप अदरवाइज हाथ पाँव हाथ बाजू घुटने बाहर हो जाए बाजू अंदर आ जाए वो आपके लिए आसान है उसको फॉलो करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए वो आपको अच्छा लगता है लेकिन पाँव में चल रहे स्काई की तरफ हैप्पी फोर्स की बुनियादी अलामत पाँव का तलवा स्काई की तरफ बाकी आप घुटने जैसे फंड होते हैं उस तरीके से कीजिए प्लीज दोनों तरफ से ये तो वो ऑप्शन दिया ना और पेट को खुलाना है गुब्बारे की तरह छिन पूंछ से लाख कर ले हाथों में हाथ डाल के ऐसे हाथों में हाथ डाल के और सांस भरे बैली में बैलून की तरह भरे सांस भरे 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 अब आपने सांस भर के रोक लेना सस्पेंड कर देना ब्रेथ को और सर उठाना है सांस नहीं निकालना सर उठाए लाए घुटनों के पास और प्रेशर बैली के अंदर फेस के ऊपर इस प्रेशर को बर्दाश्त करें प्लीज एक लंबे के लिए बर्दाश्त करें और यहाँ से एक्सहेल करके जाए शवासना में और आपके पांव पांव साइड पे गिरा दे हथेली आसमान की तरफ पांव का पातला पांव साइड पे गिरा दे और लेट गो कर दें बॉडी को और सांस पर सुधर दें आज आपने अपनी बॉडी को खुद ही स्कैन करना है मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी You will do with your own thought, okay? Body को scan करें, सांस को focus, whatever you want to do. For the next 3 to 5 minutes, I will be silent and you will do everything what you want to do.
धीरे धीरे प्लीज अपनी बॉडी पर आइए वापस और अपने सांस पर तवज्जो दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल कर दोनों हाथ पीछे लाइए, हाथों में फिंगर्स को इंटरलेट कीजिए और अपने बाजुओं को पांव को आगे बाजुओं को पीछे पूरी तरह स्ट्रेच दीजिए प्लीज बॉडी को। और फिर धीरे से अपने छोड़े अपने आप को राइट घुटने में बैठ करके राइट साइड में ग्राई लीजिए, तो लेफ्ट घुटना बैंड करके लेफ्ट साइड में ग्राई लीजिए और धीरे से राइट साइड पे करोड़ लेने के लिए राइट बाजू सर के नीचे घुटने बैंड करके जोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने आप को ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए प्लीज, शाबाश के लिए, वेलकम के लिए, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी देखिए अपनी बॉडी में फैल आएगी। अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने इस मैट को थैंक यू बोलिए, इस क्लब को थैंक यू बोलिए, इस कमरे को थैंक यू बोलिए। जिंदगी में बेशुमार चीजें अल्लाह ने आपको दी है जो आपके लाखों लोगों पर चीजें नहीं है आपके, उन तमाम चीजों को थैंक यू बोलिए। अपनी फैमिली को थैंक यू बोलिए, अपने बच्चों को थैंक यू बोलिए, अपने दोस्तों और अजीजों को थैंक यू बोलिए, इस क्लब में मौजूद यहाँ पे तमाम मेंबर्स को थैंक यू बोलिए। सर से लेकर पांव तक थैंक यू दीजिए और अपने रब का शुक्र अदा करिए, अल्लाह के तमाम नियमों का शुक्र अदा करिए, अपने दुआओं को थैंक यू, अल्लाह से अपने रिश्ते में गुजरते की दुआ कीजिए। तो उनको अब धीरे धीरे अपना लेफ्ट हैंड जमीन पर लगाएंगे, उठ के बैठेंगे, कमर करेंगे सीधी, गर्दन सीधी, तो खासना हाथों को रद करेंगे, हाथों में आग पैदा कीजिए प्लीज। और की बात बोलिएगा लाइफ इज जीवन में जागृति करती हैंड पे ये बारह नारा करते हैं कि मिशा साउंड को साफ